नमस्ते सभी को। आज हॉट सीट में मुझको आमंत्रित किया गया है और ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पर तो मतलब रीजन तो मिला यहाँ पर बैठने का। और कोशिश करता हूँ कि आपको जितने भी प्रश्न हो और जितने भी आइडियाज़ हो माइंड में पूछने के लिए, तो मैं उसको आंसर कर सकूँ। हम लोग शायद 1 मिनट के लिए बातचीत करेंगे, फिर मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में एक ये पॉइंट बताना चाहता था कि जैसे कोई ड्राइवर होता है और कोई महान व्यक्ति का व्हीकल का ड्राइवर होता है, तो उसमें कैसे कि जहाँ पर भी वो महान व्यक्ति कहता है या जाता है, तो आपको भी एक फुर्सत मिलती है उसकी जगह पर जाने की, उसके लोगों को मिलने की। तो मेरे माइंड में ये हर बार याद आता है जब भी मेरे को पूछा जाता है कि क्या आपकी यात्रा कैसे हुई। तो आई हैव कंसिस्टेंटली लुक्ड फॉर पीपल हु आर प्रोग्रेसिव इन देयर लाइफ, एंड ये शायद हमारी खूबी भी है। हमारी फैमिली बिजनेस में भी कुछ भी हमने किया है तो हम फोर रनर्स रहे, कोई भी चीज़ नया करने की कोशिश करते थे। तो ये एक तरह का ब्लड में ही है, चाहे ऐसे कह लो, चाहे नम्रता भाव है कोई भी अच्छी चीज़ के लिए, ये कह लो। आई वॉज अ वेरी पॉजिटिव फेमिनिस्ट फ्रॉम लॉन्ग अगो। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, बात करेंगे इसके विषय ऊपर, और बहुत सारी चीज़ जुड़ी है उसकी वजह से मैं जो आज आपके सामने हूँ सो हूँ। और मेरा थोड़ा लैंग्वेज में जंप होगा हिंदी से इंग्लिश में, क्योंकि जब मैं रुक जाता हूँ हिंदी में तो मेरे इंग्लिश आ जाती है। उल्टा है मेरा थोड़ा, क्योंकि आपको ये भी सब हिस्ट्री में आएगा कि क्यों ऐसा है, और बस यही बात करनी थी। एक और भी उदाहरण है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं और करते हैं तो टीचर्स का बहुत प्रभाव रहता है ना। तो ये भी एक चर्चा हम लोग करेंगे कि टीचर्स का कैसा प्रभाव मेरे ऊपर रहा है और कैसे यंग एज में भी बहुत सारे जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो कैपेसिटी जो हुई है मेरी माइंड में, और कोई भी सॉल्यूशन को सोचने का तरीका जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाए, इसको इसका सॉल्यूशन कैसे इस चीज़ से किया जाए, वो भी एक थॉट प्रोसेस जो है वो जिसको मैपिंग किया गया पहले मेरे माइंड में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट ये रखना चाहता हूँ कि आपके माइंड में कोई भी जो क्वेश्चंस है तो थोड़ा ये मैसेज सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं या अभी आप बोल सकते हैं, तो क्या होगा उसमें मैं उसको रेफरेंस लेकर के आंसर कर सकता हूँ। तो एक तरह का चर्चा एक तरह का हो जाएगा, है ना। तो दो ऑप्शंस है, आप उसमें टाइप भी कर सकते हैं, मैं अभी ओपन ही रख रहा हूँ, और उसका आंसर्स मेरे क्वेश्चंस के साथ जब आते हैं तब आपका क्वेश्चन भी साथ में जोड़ दूंगा। अभी मेरे पास भी एक वो बनाया है मैंने टेम्पलेट कि किस फ्लो में मैं जाऊंगा, तो आपका क्वेश्चन भी उसमें ले लूंगा। बाकी तो शुरू करते हैं, है ना। तो आप आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द कंट्री ऑफ केन्या एंड इट्स लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका। आई थिंक माई वॉइस इज अ लिटिल बिट वेरी लेस, मैं थोड़ा सा नज़ीक आता हूँ, है ना। तो मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, एक इक्विटोरियल रीजन में है, तो वहाँ पर बहुत विविध प्रकार के और बहुत अच्छे प्रमाण में, है ना, फॉरेस्ट भी दिखता है, नेचर भी दिखता है, और नेचर में सिर्फ फॉरेस्ट नहीं होता है, नेचर में वाइल्ड लाइफ होता है। मैं आपको एक सिंपल सा दृष्टांत देता हूँ, जब हम ट्रेन में जाते हैं तब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इंडिया में क्या दिखता है, काउस दिखेंगे, बुल्स दिखेंगे, बफेलोज दिखेंगे, मे बी पिग्स दिखेंगे, ऐसे चार पांच स्पीशीज ही होती है जो हमको दिखती है ट्रेन में। अभी आप ईस्ट अफ्रीका में जो मोम्बासा नैरोबी की जो ट्रेन है, अभी आप उसमें बैठोगे तो आपको जीब्रास दिखेंगे, जिराफ्स दिखेंगे, हाथी दिखेंगे, बड़े बड़े हाथी है जो वो उसे जाड़ जाड़ के साथ खेल रहे खड़े है वहां पर, ऐसे आपको दिखेंगे। तो ये एक तरह का आपको नया प्रकार का विजुअल दिखेगा जो वहां पर, अच्छा जिब्राज भी दिखते हैं वहां पर, है ना। तो ये इक्विटोरियल रीजन का एक बहुत बड़ी खासियत है कि वहां पर बहुत अच्छे एनवायरमेंट की वजह से बहुत सारे स्पीशीज जो है वो डेवलप हो पाते, और उसकी वजह से काफी सारा
वनस्पतियों भी है, और खुराक जब ऐसे वैरायटी का होता है तब बहुत सारे जीव होते हैं उसमें भी, फल है ना, जीव अवस्था बेसिकली। तो हाँ, तो मैं, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप तो बता दिया। अभी फॉर एग्जांपल मेरी बात करते हैं स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग जो था मेरा, वो मेरे पिताश्री जो थे तो उसने सोचा कि क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन लाइन में थे तो देर वॉज अ गुड फ्लो ऑफ मनी एट दैट टाइम, एंड एक स्कूल बनाई जाए, है ना। तो जब मैं आई थिंक क्लास 1 में था, या क्लास, या आई थिंक इट वॉज क्लास 1 और क्लास 2, अब मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बिकॉज इतना मेरे को याद है कि टीचर्स हमारे क्लास में जो थे वो ज्यादा थे और स्टूडेंट्स कम थे। हम लोग सिर्फ 2 कजिन्स थे हमारे, और मैं और मेरी बहन, वो दोनों थे हम, मतलब 4 जन थे और आई थिंक 3 जन थे, मेरा थर्ड सेकंड कजिन तो बॉर्न भी नहीं हुआ था अभी, तो 3 जन थे हम, और मेरे ख्याल से 6 या 7 टीचर्स थी, और एक स्कूल बनाई गई थी। और इसको बाद में हम लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक मॉन्टेसरी स्कूल है। मॉन्टेसरी स्कूल का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको हैंड्स ऑन नॉलेज दी जाती है, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थियरी दी जाती है, उसमें उल्टा होता है, आपको प्रैक्टिकल एनवायरमेंट में ले जा करके आपको कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके लिए, है ना। ये चीज जो थी वो थोड़ी बहुत दिखती है यहाँ पर बहुत अच्छी स्कूल्स में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, 2 3 स्टूडेंट्स थे हम लोग और 7 टीचर्स थी, और ये एनवायरमेंट में बढ़ता गया, बिकॉज स्कूल तो स्टार्ट ही हुई थी तब, पॉपुलर भी नहीं थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक तरह का इनिशिएटिव लिया था मेरे फादर ने, तो उसकी वजह से बहुत सारा फोकस टीचर्स का हमारे ऊपर था, और उसकी वजह से एक तरह से लाड प्यार भी होता था, टीचर्स को भी आते थे तो वो भी देवर ऑफ गुड यू नो एडुकेशनल बैकग्राउंड, तो वो बहुत सारा एनवायरनमेंट एक तरह का ऐसे पहले से ही मिल गया था मेरे को। एंड मुझको एहसास हो रहा है अभी कि जब आप कोई भी शुरुआत करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, देखो एक चीज होती है प्रोफेशनल्स और दूसरा होता है एक्सपर्ट्स। अभी प्रोफेशनल होता है वो जल्द से जल्द कैसे काम को निपटा करके दूसरा काम पकड़े, वो एक प्रोफेशनल कहते हैं, है ना। अभी हम लोग में भी बहुत, हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेशनल्स के ही कैटेगरी में आते हैं, और हमको ये देखना है कि एक्सपर्ट क्या होता है। एक्सपर्ट ये होता है कि वो एनालिसिस करे कोई भी चीज को, अभी उसको सुधारने की प्रक्रिया को सोचे कि कैसे इसको सुधारा जाए नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट बैच ऑफ पीपल या पर्सन के लिए, और उसमें ये सुधार का इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट करे ताकि वो चीज को फॉलो अप करके उसको सुधारा जाए नेक्स्ट बैच में या नेक्स्ट आउटकम में। तो ये एक फर्क होता है। तो आई वॉज ब्रॉटअप बाई एक्सपर्ट्स इन द लाइन ऑफ एजुकेशन, एटलीस्ट दैट्स वॉट आई वुड अग्री विथ, बिकॉज मेरे को उस टाइम पे तो मजा ही आ रहा था, परीक्षा भी आ रही थी तो भी समझ में नहीं आ रहा था, शायद ये एक डर होता है टीचर्स के अंदर कि ये तो हमारे मालिक के बच्चे हैं तो हमको एक इजी एग्जाम सेट करनी है, ये भी हो सकता है, बट मुझको इतना समझ में आ रहा है कि मेरे एकेडमिक्स में कभी भी मेरे को प्रेशर नहीं मिला था एग्जाम्स के टाइम पे। अजय, इट वॉज अ टाइम विच आई रियली एंजॉयड एंड आई रियली रिमेम्बर, जहाँ स्कूलिंग्स में हमको हर तरह के, अच्छा फील्ड ट्रिप्स, ओ माई गॉड फील्ड ट्रिप्स तो इतने सारे होते थे, हम लोग मैच बॉक्स फैक्ट्री में जाते थे, बिस्किट फैक्ट्री में जाते थे, लोग बाहर से हमारे स्कूल में आते थे, कुछ एक्टिविटी करते थे, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, है ना। हम मेरे को याद है एक सीन जब एक ओल्ड लेडी आई थी और साबुन कैसे बनाना है, जो सोप्स होते थे वो कैसे बनाना है, वो हमने सीखा था स्कूल में, एंड दिस इज इन क्लास 3 और क्लास 4। आई मीन इमेजिन कि कोई सामने से एक्सपर्ट्स आते और आपको सिखाते कुछ चीज के कैसे करना है। तो ये एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की थी मैंने स्कूलिंग एज में, और आई रियली एक सॉर्ट ऑफ मिस इट, इन द सेंस कि नए जो बच्चे यहाँ पर, हम मैं जिस जितने स्कूल्स में पढ़ाया है, मैं लगभग 5 स्कूल्स में पढ़ाया है इंडिया में, तो ये कहीं मैंने कोशिश तो की है मेरी साइड से कितना भी हो सके, मेरी क्लास जो होती थी लगभग मैं बाहर ही ले जाता था एनवायरमेंट में, बच्चों को लाइन में बिठा देता था बाहर और हम लोग पेड़ के नीचे ही ज्यादातर हमारा लेसन को कवर करते थे, थोड़ा बहुत पीछे रह जा भी था, बिकॉज लेसन जो करना है और प्रैक्टिकल आपको नॉलेज देना है, तो मेरा ये है कि जो सबसे कमजोर बच्चा है उसको समझ में आया या नहीं, दैट वॉज माई की फ्रेम, मेरा जो फोकस था वो उसके ऊपर, उसको समझ में आ गया तो दूसरे को सबको समझ में आ गया।
वो उसकी वजह से काफी सारी कभी कभी डांट भी पड़ती थी प्रिंसिपल की कि आपका कोर्स जो है वो बहुत पीछे रह जा रहा है, जल्दी करिए कोर्स को कवर करते जाइए। तो ये भी है एक इश्यू आ रहा था कभी कभी। तो एनीवेज दिस वाज द थिंग। तो हाँ, मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी काम करें तो प्रोफेशनल्स की तरह तो करें, बट प्रोफेशनल्स विल बी जस्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक्स। हम लोग इकोनॉमिक्स के हट के थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स के बोट में बैठ करके थोड़ा सा आगे की पीढ़ी, आगे का जो वैल्यू क्रिएशन है उसके ऊपर सोच करके कोई भी काम करना चाहिए। ये मेरा थोड़ा सा गाइडेंस है आप लोगों के प्रति। मैं गाइडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पास प्रूवन रिजल्ट्स है। आज भी मेरी एज जो है, आई हैव नेवर स्टॉप लर्निंग, और ये मैं जश जो है वो मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा। दे ऑलवेज मेड एवरीथिंग फन, है ना। और कोई भी चीज़ को आप एक अच्छे से अंदर से आपको एक उत्साह रहती है ना, और वो भी लर्निंग के प्रति है, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो जंपिंग टू द लास्ट एज, जो दर्शन मिला है हमको उसमें उत्साह रहती रहे, उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट करते रहे। आप हमारे पहले वीडियोस भी देखेंगे कैसे रिकॉर्डिंग थे उसके, और उसमें कैसे बेहतर बेहतर करते जाना है, वो मैंने पूरा का पूरा स्टडी किया है यूट्यूब वीडियोस देख करके और ये सब चीज़ें। तो ये लर्निंग जो है कर्व, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मेरे अंदर ब्लड में है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मेरे माइंड में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आता है तो उसको मैं पूरा का पूरा माइंड में मैप करके पूरा आउटपुट उसका है वो ऐसा अच्छा रहे, उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेरी स्कूलिंग ईयर्स की। और एक और बात मैं पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर पीरियड्स थे हमारे पास। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन आया है अभी? मैसेज बॉक्स में तो नहीं है, आई थिंक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है? आई थिंक आई जस्ट कंटिन्यू। हाँ जनक, मुझे लगता है कृष्ण भैया को लेट अस गिव हिम लीड, और एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन सो दैट यू कैन आल्सो गेट अ फ्लो ऑफ योर हाँ स्टोरी, ठीक है। है ना। हेलो। हाँ यस भैया। मैं कुछ पूछूँ आपको? ओके, हाँ हाँ पूछिए ना। एक बात तो ये है कि आप लोग को देख के इतनी प्रसन्नता आ जाती है, हाँ और दूसरा आप जो रिकॉर्डिंग रखते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह में आपसे न भी कहीं कहीं बीच बीच में छूट जाना पड़ता है, तो हाँ इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मेरा हाँ एक क्वेश्चन है जो कि मेरा खुद का है या बहुत लोगों का भी हो सकता है, ये सर हाँ पता नहीं, मगर मैं तो ये फील कर रहा हूँ, एक तो इनसिक्योरिटी और काल्पनिक डर। हाँ इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ले इनसिक्योरिटी पैसे को लेकर होती है, जो कि बहुत है, मगर फिर भी इनसिक्योरिटी है। और मेरी जो जर्नी है, जैसे शालिनी बहन ने बताया कि बहुत रजनीश को सुना, बहुत विपश्यना भी मैंने की है, बहुत विपश्यना की शिविर की है, और जैसे बोलते हैं ना कि आध्यात्मिकता के ऊपर बहुत चले हैं, मगर ये जाता नहीं है। उसके पीछे आप कुछ प्रकाश इसके ऊपर डाले, या इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास मेरी इतनी उम्मीद बनती है। हाँ हाँ अच्छा। जी इसमें देखिए, मेरा जितना समझना है, पैसा ऐसी एक चीज़ है जो, देखो हम लोगों का बैकग्राउंड भेजा तो कंस्ट्रक्शन में था और काफ़ी वेल प्रिविलेज थे हम लोग, इसलिए मेरे को तो कभी भी महसूस नहीं हुआ इसकी कमी। हाँ जब महसूस हुआ तब हुआ जब आई वॉज इन माई टीन ईयर्स, एंड टीन ईयर्स में क्या हुआ कि मैंने ऑफिस में जाना शुरू किया, तो मैंने वर्कर्स को देखा वो कैसे काम करते हैं ये वो, और मेरा तो पहले से ही जो परिवार की तरह ही मैं सबको रखता था। मैं देखो वहां पर अफ्रीकन लोग जो होते हैं देवर ट्रीटेड एज अ अनदर रेस, तो थोड़ा सा तो अनबनाव होता ही है, हम लोग इंडियंस है वो लोग काले लोग हैं, तो वो जो था ना बैरियर मैंने ओवरकम कर लिया उसको, क्योंकि मैं एक ऐसी स्कूल में पला बड़ा था जो मॉन्टेसरी स्कूल थी, जिसमें बच्चे काले भी आते थे जो गोरे भी आते थे, उसमें बाद में तो इतनी पॉपुलर हो गई स्कूल कि बहुत सारे लोग आने लग गए, और मेरे पापा के जो बिजनेस वो थे एक्वेंटेंसीज उसके बच्चे आने लग गए, तो बिजनेस एक्वेंटेंसीज तो कहीं पर से हो सकते थे, तो उसकी वजह से काफी सारा
मिक्स बैच हमारा रहता था स्कूल में और क्लास में, तो मेरा जो ब्रॉटअप हुआ था वो अमोंगस्ट द अफ्रीकन्स, तो इसकी वजह से काफी सारा जुड़ाव साथ में रहता था। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पैसे का लैकिंग कभी भी मेरे को फील नहीं हुआ, ना काले लोगों में ना गोरे लोगों में, सब लोग जो थे वो प्रिविलेज थे। हाँ, जब मैं टीन में आया तब मैंने नोटिस किया कि वर्कर्स की जो रहती है फीस भी नहीं दे पाते वो लोग, उसमें कोई इश्यू भी आता है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे मैंने महसूस किया कि ये क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया लोन देना उसको, पैसे देना उसको, उसको हेल्प करना, वैसे सब चीजें करना। बट अल्टीमेटली क्या होता था, जब सैलरी देनी है उसको तो उसको फिर वापस कट हो जाता है उसकी सैलरी में से, तो वो वही वहां पर ही खड़े हो गए कि उन लोगों को एक तरह का हेडेक तो सॉल्व कर दिया जब चाहिए थे तब, पर उसका सॉल्यूशन जो है वो मास में जो आपके सॉल्यूशन होना चाहिए, जो परफेक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए वो नहीं था। तब मैंने रियलाइज किया, अभी मैं जस्ट इनफैक्ट यही कॉन्कर कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू, अभी अफ्रीका में बहुत सारा इनिक्वालिटी है, बहुत सारे दुष्कार की वजह से, ड्राउट की वजह से वहां पर बहुत सारा फूड की शॉर्टेजेस भी है। तो मैं वहां पर लास्ट अभी गया था, मैंने उसका वीडियो भी शेयर करूंगा आपको, वो स्वाहिली में है, मतलब भाषा अलग है, आपको समझ में नहीं आएगा, बट आई एम ट्राइंग टू टॉक टू द वुमेन देयर एंड आई एम ट्राइंग टू गेट देम इन्वॉल्व इन टू फूड प्रोडक्शन एट अ होम लेवल। यू नो, आप घर पे ही खाना, कुछ ग्रीन हाउस बना के कुछ करिए, कुछ बनाइए, क्योंकि वहां पर से ही स्टार्टिंग है। आप सॉल्यूशन पैसे से नहीं कर सकते हो, वो लोग भी यही चाहते हैं कि आप उसको पैसे दीजिए और वो आपको थैंक्स कहेंगे, आपको याद रखेंगे, आप ये वो, दिस इज नॉट द वे टू फिक्स इट। तो मेंटेलिटी को चेंज करना है, पैसे जो है वो एक्चुअली मेंटेलिटी, आप मेंटेलिटी चेंज करेंगे तो काफी सारा सॉल्यूशन आएगा। मेरे मेरे समझ में ये अभी तक परिपक्व हुआ है कि माइंडसेट्स जो है उसको चेंज करना है पैसे के प्रति। आपके पास से वो संग्रह विधि से बहुत ज्यादा मत रखिए, उसको जनहित में, जन के काम के लिए लगाइए। बैंक में रख करके आपको क्या फायदा मिलेगा, आप किसी के लिए एक छोटी फैक्ट्री स्टार्ट कर दिए। हाँ, किसी के लिए भी नहीं, समवन यू नो, यू हैव एक्सपीरियंस विद हिम, यू हैव रिलेशनशिप विद हिम, यू आर आस्किंग हिम कि विल यू लाइक टू गो इन टू बिजनेस विथ मी, देन हैव अ परसेंटेज शेयर। आज तो इतना ईजी हो गया है, आप 1% भी रख सकते हो कोई भी बिजनेस में। मेरे माइंड में आपको एक समझ बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन ओनर ऑफ 100 कंपनीज, और वो 100 कंपनीज में मेरे पास सिर्फ 1% शेयर होता है, और वो शेयर मेरा जो होता है वो मेरा टाइम की तरह मैं उसको कंपनी को देना चाहता हूँ। सो ये जो है वो मेरा एक ड्रीम है कि यंगस्टर्स के साथ जुड़ करके उन लोगों को 1% शेयर होल्डर की तरह मैं यहाँ पर ऐसे एडवाइजर जाता हूँ। मेरा कुछ भी और भी कमिटमेंट नहीं है, ना मेरी कोई रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियली, बट हाँ मैं 1% दूंगा आपको, आप मेरे को 1% जो शेयर जो प्रॉफिट होगा आप उसमें से उसको मेरे को दे। तो मेरे पास 100 कंपनीज ऐसी है, तो मैं 100% कोई भी चीज का ओनरशिप हो जाता हूँ। तो ये मेरे माइंड में अभी ये दर्शन को सुन करके, समझ करके, मेरे एनालिटिकल माइंड में ये प्रोसेस होकर के बाहर आता है। ग्रीड जो है बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है, तब काफी सारा फ्लावरिंग होता है, काफी सारा कोएग्जिस्टेंस का आइडियाज आते हैं आपके अंदर, एक तरह का हाउ डू यू से स्पॉन्टेनियस आपके अंदर कंपन होती है ऐसे सही करने की। सो दैट्स द थिंग दैट इज हैपनिंग, बिकॉज दर्शन एक ऐसी चीज है जो मैं तो आई कैन नॉट रीड हिंदी प्रॉपरली, आई हैव नॉट इवन रेड द बुक्स, बट मैं बाबा जी को बहुत सुनता था। मतलब मैं फार्म में यहाँ पर आया था तब बाबा जी का ऑडियो मेरे फोन में था, अबाउट आई डोंट नो, मे बी 1 GB और 2 GB का उसका ऑडियो है। मैंने उसको लो फॉर्मेट में करके उसको सिर्फ ऑडियोज डाउनलोड किए वीडियोज में से वो करके, और मैं उसको कंटिन्यूसली रिपीट सुनता रहता था बाबा जी की ही वर्ड्स। तो उसकी वजह से मेरे को एक बात समझ में आया कि दिस पर्सन हैज एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज्ञानी होता था मेरे अभी तक देखा था, वो थोड़ा सा घमंडी स्वभाव का होता था, है ना। तो वो चीज सॉरी वो चीज मैंने एक तरह का पॉजिटिव ले लिया कि ये तो ज्ञानी भी है, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द परफेक्ट सॉल्यूशन एंड येट ही इज हम्बल, सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड आई नीड टू हियर दिस। सो वो मेरे ड्राइविंग फोर्स रहे, आज भी मैं उसको सुनता हूँ तो एक स्माइल होता है मेरे चेहरे में कि नहीं, दिस गाय हैज गॉटन इट एंड ही इज सेइंग द राइट थिंग्स, यू नो। और उसकी भाषा में थोड़ा थोड़ा बोलते जाते, फिर एक एक पॉइंट आता है कि अरे यार मेरे को मिस हो गई। सो व्हाट आई डू इज मैं शारीरिक को परेशान करता हूँ, ये क्या बोला उसने, ये बस मेरे को समझाओ, देन शी विल एक्सप्लेन टू मी। तो मेरा अध्ययन ऐसे टाइप के हो रहा है, मेरा जो इसका ना, आई एम बीइंग बेबीड टूवर्ड्स अध्ययन, बेबी स्टेप्स के द्वारा मैं अध्ययन को महसूस कर रहा हूँ।
और अच्छी बात ये देखो, शी ऑल्सो वॉन्टेड अ टेक्निकल पर्सन हु इज अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड आई ऑल्सो मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि मैं हिंदी नहीं, थोड़ा सा वो होता है, और मैं अभी लर्न करूँ, आई थिंक आई शुड लर्न इट, मेरे को अभी टाइम है, बट फिर भी कोई भी जो समझ समझ के आपको बताता है वो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, और आपका जो रिएक्शन होता है ना उसके बाद ही तो उसका काउंटिंग होता है। तो मेरे रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा अध्ययन हो रहा है, चलो काउंटिंग हो रहा है मेरा अध्ययन में, तो वही मेरा प्रोसेस अभी चला है। मैं थोड़ा सा लीनियंट हूँ टुवर्ड्स लर्निंग हिंदी, बिकॉज मेरे को खुद मजा आती है ये जो मीठे मीठे फल खाने से। यहाँ से हम लोग इंटरव्यू भी लेते, हम लोगों को भी कितना फायदा मिलता है। मैं वहां पर नीचे रिकॉर्डिंग करता हूँ, तब भैया बोलते हैं, रवि तामगाड़े भी अभी आए थे, सार्थक भैया भी आए थे, जितने भी लोग हम लोग जुड़ते हैं वो लोग हम लोगों को उसके पास से फ्रूट्स रॉब करते हैं एक तरह से। और यही तरीका है, वी आर स्टिल, लुक आई विल से इट फ्रॉम माय साइड, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद एक्सपर्ट्स इन अ वे, और ये मेरी चाहत है और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नेचर के साथ। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये देखो नेचर का कैसा व्यवस्था है कि जो जिसके अंदर चाहता है ना वो चीज़, तो वो उसके अंदर आ जाती है। तो मेरा ये इतना ही दरख्वास्त है, जितने यंगस्टर्स है अभी, आपके अंदर एक फायर जगती रहनी होनी चाहिए कि आपको कुछ अच्छा एक्सपर्ट से सीखना है। यू वॉन्ट टू बी परसिस्टेंट टूवर्ड्स लर्निंग, and that persistence toward learning is supposed to be coming from an expert, that is what you have to keep in mind in broadly speaking. to ye thoda sa hai, baki to abhi fir se main kahunga paise ki baat hai, wo dekhiye sab logo ko samajhdar banna hai, paise apne aap chhoot jayega, mere khayal se aisa ho raha hai, ek aisa boiling point aayega aur wo start hota hai food se hi, agar hum food ko hi sirf free kar de na apne aap, matlab if we all become producers, तो जब सप्लाई इन्फिनिट हो जाती है, सब जब जब सब लोग प्रोड्यूस कर दे तब सप्लाई इन्फिनिट हो जाएगी, जब सप्लाई इन्फिनिट हो जाएगी देन देयर विल बी नो बायर्स, देन द इकोनॉमिक एडवांटेजेस जो है टू डू अ बिजनेस ऑन फूड विल कलैप्स, एंड यू विल ओनली बी प्रोड्यूसिंग व्हाट यू विल बी एबल टू गिव आउट टू अदर्स एंड व्हाट यू विल बी कंज्यूमिंग। सो जो साइक्लिसिटी है, जो बैलेंसिंग फैक्टर है, वो आ जाता है। अभी फूड में क्या होता है, बहुत सारे बड़ी बड़ी लैंड्स को फ्लैट करके उसमें गन्ना उगा देते, साइसल उगा देते, अफ्रीका में साइसल बहुत अच्छे से उगता है, तो वहाँ पर फ्लैट करके साइसल उगा देते, और साइसल का प्लांट इतना ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अबाउट 1 मीटर ऊंचा जाता है, तो 1 मीटर ऊंचा है साइसल का प्लांट, आपने इतना पूरा बड़ा जंगल आपने फ्लैट कर दिया, तो क्यों किया आपने ये, बिकॉज आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल देख करके आपने देखा कि एडवांटेज है, इसमें फ़ायदा है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अच्छा है, ये सब लाभ की वजह से आपके अंदर मानसिकता वो हो रही है। बट जब आप फ्रूट प्रोडक्शन करते हो तो आपको पता लगेगा कि आज मेरे पास इतना है फ्रूट हार्वेस्ट के लिए, यू विल यूज इट विद कॉन्शियस माइंड, आप फेंकोगे नहीं उसको। आप जितने भी हमारे घर पे टमाटर उगते, सरगवा उगता है, जो भी उगता है, वी आर कंज्यूमिंग इट विद द अटमोस्ट ग्रेटिट्यूड एंड हार्ट, यू नो। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में तो कहूंगा वही एक डिसएडवांटेज है, यही पूरी पृथ्वी में अभी भी घर कर गया है गलत करने में। कोई भी चीज है उसको प्रोडक्शन वैल्यू उसको बढ़ा करके उसमें बड़ी मशीनरी लेकर के कैसे हम नंबर्स को बढ़ाएं, यही इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, और वही हमको स्टॉप करना है। हम लोगों को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा सब चीजें, और पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा तो ये मानना है। एवरीथिंग एंड बाबा जी ने तो ये लिखा ही है बुक में, कि एक तरह का पॉइंट सिस्टम से लोगों को ऊपर क्रेडिट आएगी, और वो पॉइंट सिस्टम ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, आपने कितना टाइम उस चीज में दिया। इफ आई एम मिस्टेकिंग शालिनी, थोड़ा सा करेक्ट कर देना मेरे। नो यू आर वेल ऑन ट्रैक जनक। कृष्ण भैया वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चंस, यू कैन एक्चुअली सी ऑन स्क्रीन पीपल रेज देयर हैंड्स। ओके, आई एम लुकिंग एट द अदर स्क्रीन। यस, हां कृष्ण भैया, यस नमस्ते जनक, नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ, पहला तो जनक आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है, और थैंक यू। आपकी हिंदी में जो जिनको हिंदी अच्छी आती है, हाँ, उनकी हिंदी में आपकी हिंदी में एक मिठास का डिफरेंस है, आपकी हिंदी में बहुत मिठास है, और बड़ी प्यारी सी लगती, क्यूट सी लगती है आपकी हिंदी। यस। तो और सेकंड, आपने जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट में जो डिफरेंस किया है, मैं भी कभी इसको इतनी बारीकी से देख नहीं पाया, तो वो बहुत अच्छा लगा। और थर्ड है, अभी आपने बोला कि आप 1% जो 1% में जो आप कुछ काउंसलिंग या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं,
वो किस फील्ड में किस तरह से करते हैं, थोड़ी और आप स्पष्टता करें कि किन लोगों के लिए आप हेल्पफुल हैं, तो वो आप थोड़ा सा बताएं समझाएं उसको। अच्छा, मेरी हेल्प अफ्रीका के बारे में बात करें तो वहाँ पर हेल्प मैं ऐसे तरह का करना चाहता हूँ, जैसे कि वहाँ के लोकल्स है उसको मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करा जाए, लो कॉस्ट में आपको फर्टिलाइजर्स और आपका खाद खुद बनाए और आपके पेस्टिसाइड्स खुद बनाए, क्योंकि मैंने कोर्स किया था ये यहाँ पर रामकृष्ण ट्रस्ट में कुकमा में, बहुत अच्छा वेल नोन अभियान चलाते वो लोग, चिंतन फार्म करके, आप गूगल भी कर सकते हैं उसको। तो वहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखा और मेरे को उसकी पद्धति बहुत अच्छी लगी, साइंटिफिकली बेस्ड, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़ायदा है और गोबर को यूज़ करके उसमें कैसे मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, उसको कैसे मल्टीप्लाई इफेक्ट करके आप उसको कैसे आपके फार्म में एज अ पेस्टिसाइड, एज अ फर्टिलाइजर आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो पद्धति अभी तक अफ्रीका में इतना पॉपुलर नहीं है, वो तो जो भी एक गाय की पॉटी है वो तो पॉटी ही मानते हैं उसको, वो समझते नहीं कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो अवेयरनेस में ले आना चाहता हूँ, वहाँ पर कराया भी है बहुत सारे वर्कशॉप्स, अभी भी प्लानिंग स्टेज में है, दो तीन एक वर्कशॉप्स और भी करने वहाँ पर। तो गवर्नमेंट लेवल में भी के लोग जो होते हैं वो भी इतना इस चीज़ को अभी आज की जनरेशन में भी आज के टाइम में भी उन लोगों को पता नहीं है कि माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर बेनिफिट द गट सिस्टम में जो होता है काउ के गट में, दोज आर बेनिफिट टू द सॉइल एनरिचमेंट एंड दैट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफेक्ट ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो जब वो लोग फूड शॉर्टेज से ग्रसित है लिटरली, और आप कार्बन वैल्यू आपकी सॉइल की बढ़ाओगे और उसमें प्रोडक्शन आपका सीड से बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन की शॉर्टेज कम हो जाएगी। तो मेरा ये फोकस रहता है खास करके वहाँ पर के फार्मर्स, लोकल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स, बिकॉज बड़े फार्मर्स तो प्लांटेशंस बड़ा बड़ा बना के वहाँ पर जर्मनी में बहुत सारे लोग आते हैं और लैंड ले लेते हैं फॉर हायर, और वहाँ पर से बहुत बड़े बड़े एकर्स में, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ सरगवा उगा करके वहाँ पर से उसको पाउडर बना के एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सप्लोटेशन हो रहा है एक तरह का, बट क्या करें हम लोग, लोकल्स को खाने के लिए मिल ले रहा है, वहाँ पर लीज करके लोग प्रोड्यूस करके कि वहाँ से प्रॉफिट सब बाहर लेके जा रहे हैं, प्रोड्यूस करके पैक करके उसको सेल करते हैं बाहर डॉलर के डॉलर में ही लेती देती हो जाती उसकी, और यहाँ पर सिर्फ वर्कर्स रखे उसको फार्म को संभालने के लिए। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आना है लोकल फार्मर्स को कि आप लोग आपकी लैंड को बेचो मत, पहली बात। सेकंड चीज, आपको फूड प्रोडक्शन करना है तो उसमें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करो, जिसमें ये है ऐसे इसको लिस्ट डाउन करना है, विच दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। देन थर्ड थिंग, आप उसको यूज करके आपको वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो आपके फार्म प्रोड्यूस का, जैसे सोलर ड्राइंग है, आप उसको बीज में से यूज करके आप उसको तेल निकालिए, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्मॉल शेल्फ लाइफ, तीन चार महीने के ही होता है मूंगफली जैसे के है, तो करके वो उसको वैल्यू एडिशन करके उसका तेल आपका 3-4-5 साल तक रह सकता है अच्छे से। तो तीन स्टेज में ये काम मेरा प्रोसेस होता है, बाकी तो यहाँ पर तो मैं बहुत अच्छे से अध्ययन के ऊपर ही जुड़ा हूँ इंडिया में जब होता हूँ तब, और टेक्निकल बैकग्राउंड में मैं रिकॉर्डिंग करके उसका कोई भी डिजिटल मैनिपुलेशन करना है तो वो करके उसको अपलोड करने में कहाँ पर से कैसे अच्छी चीज़ का, अभी परसों ही इंटरनेट कनेक्शन का भी प्रॉब्लम आ रहा था, उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत सारे बैकग्राउंड में इश्यूज होते हैं तो उसको मैं लगा रहता हूँ। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया मेरे। जी मिल गया, मतलब बेसिकली आप फार्मिंग फील्ड में जो छोटे छोटे फार्मिंग है उस फील्ड में आप अपनी एक्सपर्टाइज रखते हैं, उसमें आप सहयोग करते हैं। एक्सपर्टाइज से कम कह सकते हैं, मेरी रुचि है उसमें, तो एक्सपर्ट बन जाते हैं ऑटोमेटिकली वो अलग बात है, और एक्सपर्ट होने में भी जो सामने वाला होता है एक्सपर्ट ही होता है, वही एक्सपर्ट दूसरे को पहचानेगा। तो आई वुड नॉट से कि आई एम एन एक्सपर्ट, जब तक अपने आप को लर्निंग मोड में रखते हो, और वो भी अच्छी बात है कि मैं हर रोज कोई नई चीज लर्न करता हूँ। जितना भी बाबा जी की बारे में जितना लिखा गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, कल ही बात हुई थी जैसे कि एक कोट आया था है ना, तो बैक्टीरियाज को समझने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है हम लोगों को, और हमारा ग्रीन वेस्ट आप खुद आज से देखोगे तो 70-80%, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 70-80% आप देखना उसका वजन जो होता है आपका डस्टबिन जो बाहर जाता है उसमें ग्रीन वेस्ट होता है। तो वो जो चीज़ जो है वो लैंडफिल्स में कैसे ना जाए, वो आपके घर में ही खाद के स्वरूप में बन जाए,
वो कैसे करना है वो मैं मार्गदर्शन भी दे सकता हूँ और उसका गाइड भी कर सकता हूँ आपको, क्योंकि वही चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो वेट वेस्ट है ना, वेट वेस्ट मतलब जिसमें गीलापन है, जो ग्रीन वेस्ट है, वो बाहर लैंडफिल में जा करके प्लास्टिक के साथ, लोहे के साथ मिक्स हो करके उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है ना, वो जमीन के अंदर नीचे जा करके लीचिंग करता है और वो पूरा सॉयल को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है वहां पर। नॉट टू मेंशन कि वहां पर एक बहुत बड़ा फाउल ओडर, मेथेन गैस वहां पर डेवलप होती है उसकी वजह से, है ना। जब आपके घर पे ऐसे ही नहीं निकलता है, फॉर एग्जाम्पल आप सेग्रीगेट कर देते हो, तो आप फिर उसको रिसाइकल करके, रीयूज करके, अप यूज करके उसका खाद बना सकते हो। तो वो मैं छोटी छोटी चीजों को घर से ही आप कैसे स्टार्ट करें उसके ऊपर ही मैं फोकस करता हूँ, ताकि हम लोग सोल्यूशन उसका इसके ऊपर रखें। तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बट आई थिंक इट वॉज नेसेसरी ऑल्सो। एंड सुधा दीदी और छोटू अंकल ने भी हैंड रेज किया, जब कीप लुकिंग एट द स्क्रीन प्लीज। हाँ ओके सो हाँ पूछिए, कोई भी पूछ सकता है। पहले तो आप दोनों मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो मैं किसी को भी कह सकता हूँ, कोई पहले पूछे। अंकल अलाउ करे तो मैं सिर्फ थोड़ा सा कुछ कहना चाह रही थी कि अभी किसी भैया ने वो सवाल पूछा कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जाती क्यों नहीं है, तो मुझे भी ये सवाल बहुत लंबे टाइम से ये सवाल सताता रहा है। अपने आप में कभी नहीं रही है इनसिक्योरिटी, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं है, लेकिन बाहर लोगों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका जवाब क्या है, क्यों नहीं जाती है इतना सारा करने के बाद। तो कभी कभी मुझे शालिनी जन दोनों को देख के ये लगता है कि हाँ, इन लोगों ने इसको ओवरकम किया है और कुछ तो बात है कि ये लोग इसको ओवरकम करके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कल जो संकेत भैया का सेशन हुआ था, मैं सेशन में नहीं जुड़ पाई थी, बाद में मैंने सुना, एक बात मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी जो उन्होंने बोली और मुझे उसमें उसका जवाब मिला और आप लोगों के रहने में वो दिखता है कि समाधान के बिना समृद्धि है नहीं। तो वो एक बहुत ही जबरदस्त बात थी। तो भैया भी जो पूछ रहे थे कि क्यों नहीं जाती है, तो मुझे लगता है कि समृद्धि से ज्यादा समाधान पे फोकस करना जरूरी है। जब समाधान मिलता है तो ऑटोमेटिक, क्योंकि समृद्धि कोई स्केल नहीं है, समृद्धि भाव है, तो समाधान के बाद ही ये भाव आता है और उसके बाद ही ये इनसिक्योरिटी जा सकती है, मतलब दर्शन के लेवल से। और जनक ने तो जो समझाया वो बहुत बढ़िया समझाया, तो जस्ट वॉन्टेड टू शेयर, थैंक यू। इसमें मैं एक लाइन थोड़ा ऐड करूंगी, फिर इस पे चर्चा कभी जरूर करेंगे और हम किसी एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे। जो अभय है ना दिलीप भाई, वो समाज के स्तर पर होता है। जब तक व्यवस्था का पूर्ण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, जो 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था का चित्रण जब तक नहीं होता है, ये मानसिक रूप से भी अभय नहीं आएगा, है ना। तो व्यवस्था का चित्रण होने से ये अचानक से गायब हो जाने वाली चीज है, ये जो भय है। और व्यवस्था के चित्रण का कार्यक्रम हम लोग आने वाले मंडे से ही शुरू करने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा है ना, आई हैव अ नीड, मतलब मेरे अंदर से ये चीज जागती है कि मुझे इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, क्योंकि मुझे लगता है एक बार जल्दी से व्यवस्था का चित्रण किसी व्यक्ति के दिमाग में हो जाएगा ना, तो इसे दिखाई पड़ने लगेगा, अच्छा ऐसे होगा ऐसे। क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तो बहुत सारे लोगों में है, बहुत सारा स्किल भी है, बहुत सारा समाधान के रूप में दर्शन भी समझ में आता, फिर भी नहीं जाता। ये बात मैं बहुत, मुझे बहुत तहे दिल से, आई हैव एक्सपीरियंस इट टू, है ना। तो एक तो है कि भाई थोड़ा साहस करके आगे बढ़ गए, जैसे हमारे, मैं और जनक के पास है ना बहुत सारी चीजें, हम बहुत पहले से कुछ चीजों में सॉर्टेड रहे, लेकिन वो बहुत वैराग्य विधि से रहा, व्यवस्था विधि से नहीं रहा। तो हमारे जीने में जो कुछ भी दिखता है ये दर्शन मिलने से पहले का ही है, और ये वैराग्य विधि से ही आया। अब जा करके जो शिफ्ट है वो व्यवस्था विधि से आया, और वो हम आपके सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। इस पे हम आगे बात करेंगे। छोटे लाल शाह आप साथ में हैं? वो आए तब तक मैं थोड़ा सा दीदी को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण किया। हम जब सॉर्टेड होते हैं, आई वुड लाइक टू से दैट वर्ड, हम लोग माइंड में सॉर्टेड होते हैं तब काफ़ी सारा हमारा एक्टिविटी भी सॉर्टेड होता है। मेरे को याद आता है जब भी हम लोग मॉल में जाते हैं तब हमारा जो परचेस होता है ना, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो बिल्कुल आवश्यकता है हमारे हमारे माइंड में, जैसे कि पास्ता के गैलरी से गुजरते हैं, नूडल्स की गैलरी से गुजरते हैं, लेकिन हमको मन नहीं करता है उसको उठाने का, क्योंकि हम लोग सॉर्टेड है माइंड में।
या ज्यादातर लोग है ना मैगी को तो ऐसे ही मतलब कैजुअली उठा लेते। मैं देखता हूँ जब हम आउट जाते हैं शॉपिंग कार्ट लेकर के, जितने भी लोग आउट में जाते हैं तो हम लोग वेट करते तो हम लोग लाइन में देखते कि क्या क्या लिया है उसने। तो नूडल्स तो सब लोग की कार्ट में होता है, मतलब जैसे कि ये तो एक स्टेपल फूड हो गया है आज के टाइम में, विच इज कम्प्लीटली लाइक समथिंग लाफेबल मैटर एक्चुअली। एक्चुअली जनक, हम मैं छोटी सी आप लोगों को हमारी पर्सनल सीक्रेट बताते हैं। हम लोग जब भी कभी डी मार्ट या कहीं जाते हैं शॉपिंग करने, तो हम लोग दूसरे लोगों की कार्ड चेकआउट करते हैं, फिर हाँ हम लोग एक परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, फिर यू नो ये हमारा टाइम पास एक्टिविटी रहता हाँ कि और कितने बच्चे उसके साथ उसको कनेक्ट करना, एक अजीब सा हम डेटा एनालिसिस करते रहते हैं कि हाँ भाई देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी क्या है। दिस इज अवर फन एक्टिविटी टुगेदर। और चॉकलेट का रैपर ऑलरेडी बच्चे ने चॉकलेट खा लिया आधी, वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और हंसी की पात्र हो जाते हैं ये बात। और वो रैपर को भी अब वो आदमी भी स्कैन कर तो कैसे करे, तो आधी हुई चॉकलेट मैंने लाइव देखा है उसको, आधी चॉकलेट को वो मुंह से निकाल के दे रहा है, स्कैन करो मेरा चॉकलेट का भी बिल बनाना है। तो ये है तरीका, मतलब चॉकलेट्स है जो भी आता है ये ठीक है। अभी देखो चल रहा है अभी, जो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश। अंकल को हाँ, मुझे लगता है ही इज देयर नाउ। हाँ हाँ अंकल जी, आपका कोई प्रश्न था? आई थिंक शालिनी जी और बिल्कुल कनक जी, यस अभी जो आपने बोला ना कि हम टाइम पास है, आपने तो मजाक उसमें बोला था, बट मुझे जी लगता है कि ये एक बहुत एक मेथड है या विधि है जिसको हम थोड़ा निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल है भैया। हम दोनों, मैं और जनक, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले गए, कुछ घर का सामान लेना था, और हम ये देख रहे थे कि अभी कैसे चीजें खड़ी हो रही हैं। एक एक हमने एक जगह देखी, जब नाम तो मैं भूल गई, वहां पे उन्होंने एक स्टैचू लगाया है, वो हाय करता रहता है बच्चों को, और वो बच्चे जो हैं उसके पास जाकर के फोटो खिंचाते हैं। मैं जनक को कहती, जनक यहाँ पर चलो कैलकुलेट करते हैं कितनी चीजें, जब एक सही व्यवस्था होगी तो कितनी चीजें नहीं होंगी। तो उत्तर में ये आया कि यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ जंगल होंगे, कुछ भी नहीं होगा, जितनी भी चीजें सब कुछ वेस्टेज है ना। छोटू अंकल जानते हैं हमारा डीमार्ट कैसा डेवलप हो रहा है पूरा, मतलब भुज में, भुज वॉज अ प्लेस जहां पर लोकल पैसा मतलब बहुत आता है, लोग यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, और अब यहाँ पर से सारा पैसा बाहर जाने की पूरी व्यवस्था पिछले 5 सालों में भरपूर हो गई। बड़े से बड़े ब्रांड यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा खुद का, खाना भी खुद का, लेकिन अब जो है वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, और ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है कि यहाँ का सारा पैसा बाहर जाने लग गया है। हाँ, छोटू अंकल से बात करते हैं जी। हाँ यस आप, आपका कैमरा ऑफ अभी हुआ, अभी जस्ट पहले चालू था। यस हाँ आपका माइक ऑफ है लेकिन अभी। छोटू अंकल आप, हाँ अब सीखे, अब हुआ। हाँ पूछिए, वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है, शायद आपका फोन में प्रॉब्लम है, वॉइस वॉइस जा नहीं रहा है, मतलब आपका फोन में से कैप्चर ही नहीं हो रहा है वॉइस। अंकल जी एक बार हेमांग भैया से पूछ लीजिए। आई थिंक लास्ट टाइम भी हाँ, आपको लास्ट टाइम की मेल करना तरह पड़ा। जी, फिर लेते हैं, समय है तब तक और कोई लोग भी पूछ सकते हैं, या जनक अपने साइड से कुछ रखना चाहें, जो भी आप जानना चाहें पूछ सकते हैं। आपको अचानक ठीक लगे तो उसका आंसर करिए, पर मैंने जो शालिनी जी का भी कल सुना था, हाँ अभी आपका भी मैं सुनी रहा हूँ, और कुछ कुछ पहले से भी एक समझ मतलब आपके बारे में बन रही थी कि एक टेक्निकल आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और साथ में समझने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं अपने तरीके से। राइट शालिनी जी कह रखा भी था कि आदर्शवाद और भौतिकवाद का एक कॉम्बिनेशन के रूप में थोड़ा आपका जो अध्ययन भी चल रहा है, चाहे वो मध्यस्थ दर्शन के साथ साथ और भी, और आपने ओशो को भी काफ़ी सुना है, लेकिन शालिनी जी का मुझे लगा कि वो प्योरली मतलब उनका मेन ये वाला मार्ग ही है, मध्यस्थ दर्शन के साथ हो चाहे ओशो के साथ हो, वो इनर सर्च कह सकते हैं, मेरी मेरे शब्दों में बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा उस तरफ उनका झुकाव है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक घटना भी बताई थी कि उनका कैसे शिविर का प्लान हुआ, पूरा नाइट आपको
ट्रेवल होते हुए भी मतलब आपको देखने से लाइट के नाइट में जो रिफ्लेक्शंस वगैरह राइट उस चैलेंज को भी प्लस आपका उसमें इतना वो रुझान नहीं है। नहीं रुझान देखो रुझान नहीं है ऐसा नहीं है, मैंने बाबा जी की बात सुनकर के इतना तो समझ लिया कि ये परफेक्ट चीज है, ये करने जैसा ही है, मतलब नहीं ऐसा नहीं मेरा मतलब रुझान से ये नहीं था, प्रायोरिटी की बात करें या जो एक आपका जो दोनों का अपना अपना एक एक्सप्लोरेशन का तरीका है हाँ। उसमें एक डिफरेंस है राइट। तो वो जो बैलेंस पति पत्नी के बीच में अगर आता है तो उसके हाँ। लिए शालिनी ने रखा था, लेकिन मैं आपके उससे देखना चाहता हूँ उस बात को तो okay. वो क्वेश्चन, और क्योंकि जब वो विपश्यना जा रहे हैं तब भी आप उतने सहज नहीं हैं, लेकिन आपने फिर भी उनको उसके लिए कहा, आपने पूरा सपोर्ट किया, उसके लिए पूरा सहयोग किया हाँ। या शिविर में वहां लेके जाना था पूरी नाइट ट्रैवल करके, तो ये थोड़ा सा कभी कभी एक व्यक्ति का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है साथी का और दूसरे का थोड़ा उस तरफ नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं उनके बीच में एक स्नेह है, प्रेम का भाव तो होता ही है, तो वो भी काम करता है, लेकिन फिर भी अंदर एक वो स्थिति अंदर से तो पूरी तरह से बनती नहीं है, तो कहीं की थोड़ा वो अंदर इरिटेशन या कुछ अलग तरह से भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे होते हैं, तो थोड़ा आप उससे कैसे निकले हैं, क्या रहा है बढ़िया वो भी बताएं, तो क्या जो लोग पार्टनर्स हैं या जो साथ में चल रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलता है उससे। देखिए इसमें बहुत अच्छा सा मेरे माइंड में एक जस्ट एक लाइट हुई, हम लोग सब साइंस 10th के पास कर ही लिए है, और इसमें एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसमें एयर होता है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, एक सिरिंज होता है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सिरिंज में हवा भरते और ऊपर उंगली एक रखते और ऐसे सिरिंज को प्रेस करते तो हवा होती है वो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, और फिर वही सिरिंज में आप जब उसको पूरा डिफ्लेट करके ऊपर पकड़ के ऐसे खींचते हो तब वैक्यूम क्रिएट होता है, बट वैक्यूम क्रिएट होता है लेकिन वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट तो हो ही जाता है, फिर भी आप ऊपर से खींच सकते हो उसको, है ना, बट जब आप उसी सिरिंज में लिक्विड भरते हो तब लिक्विड भरने के बाद आप ऊपर धक्का मतलब बंद कर देते हो पूरा नोजल उसका और उसको पीछे से प्रेस करोगे तो लिक्विड जो है वो जगह बना लेगी। ये बात हमको एक माइंड में एक साइंस का एक्सपेरिमेंट है ये कि लिक्विड जो होता है इट इज नॉट कंप्रेसेबल, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना, वो जगह बना लेती है, वो चीज लीक हो जाती है या वो फट जाती है, ये एक सिस्टम है लिक्विड का, एयर इज कंप्रेसेबल बट लिक्विड इज नॉट। तो जितने भी कपल्स जो है वो इस एग्जाम्पल को माइंड में रख करके आप ऐसे समझिए कि आप दो सिरिंजेस एक साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, और जो बीच में जुड़े हैं वो आपका मैरिज है, लगाव है, प्यार है, जो भी वर्ड सोसाइटियल लेवल के आप हिसाब से देख लीजिए, और एक सिरिंज है, अब आप देखो हवा भरी है एक सिरिंज में और दूसरे सिरिंज में भी हवा होगी तो कंप्रेशन कहीं होगा और कंप्रेशन होगा तो खटपट होगी एक ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, बट जब दोनों के अंदर लिक्विड होता है तब जब एक जगह से प्रेशर आता है तो दूसरा जगह तुरंत दूसरा इन्फ्लेट हो जाता है, और जब दूसरी जगह से प्रेशर आता है तो दूसरा पहला वाला जो है वो डिफ्लेट हो जाता है, तो ये होना चाहिए, है ना। जब गाड़ी में भी हम लोग जब मैं एक्चुअली क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, हमारे बहुत सारे व्हीकल्स थे तो उसमें ब्रेक फ्लूइड डालते थे, और ब्रेक फ्लूइड डालते थे तब उसको एयर उसकी अंदर होती है लाइन के अंदर, पूरी ब्रेक लाइन में अंदर एयर होती है, उसकी वजह से ब्रेक सही से लगती नहीं है और गाड़ी का ब्रेक सिस्टम फेल हो सकता है उसकी वजह से, तो उस प्रोसेस को ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग करते हैं, मतलब ब्लीडिंग मतलब वो पूरी लाइन में ऑयल जब तक भर ना जाए तब तक नीचे से नोजल खुला रखते हैं और वो पंप करता रहता है ब्रेक को, और वो नीचे से उसका फ्लूइड लिटरली उसको वेस्ट करते हैं हम, मतलब कढ़ाई में पकड़ लेते हैं उसका अलग इस्तेमाल होता है और वो उतना ब्रेक फ्लूइड वेस्ट हो जाता है उसकी लाइन में हवा निकालने के लिए। तो आपके रिलेशनशिप में जितनी हवा होगी, आपके रिलेशनशिप में जितना कंप्रेशन फैक्टर हो जाता है, तब वो कंप्रेशन फैक्टर एक तरह का न्यूसेंस बन जाता है, एक तरह की बैड मेमोरी बन जाती है, एक तरह का डिस ओरिएंटेशन रह जाता है, चिड़चिड़ापन रह जाता है। तो हर रोज का पाइलअप जो होता है, एक नया दिन होता है और आपको वो पुरानी चीज याद आ जाती है, है ना, तो हमारा माइंड की कैपेसिटी है कि वो सेव करती है सब चीजें, तो वही चीज हम सेव क्यों ना करें जो हमारे लिए अच्छी है। तो जब भी शालिनी को कुछ भी चीज का रिक्वायरमेंट हो, पहले तो वो बहुत रिक्वायरमेंट करती नहीं, ये बहुत मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, वो बहुत आई हैव नेवर सीन अ वुमन लाइक हर, बिकॉज उसका जो आर्थिक रिक्वायरमेंट है, चाहे उसको
पहनने का शौक इतना कहे तो वो नहीं है उसका, और ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है उसका वो नहीं है, तो हमारी लाइफ उसमें काफी सॉर्टेड हो जाती है ना। और मुझको भी ये दबाव कभी भी नहीं पड़ा कि अभी एक साल हो गया एनिवर्सरी में क्या लेके आ रहे हो क्या वो, कभी हमने पिज्जा खा लिया और हमारी एनिवर्सरी होगी, हमने अच्छे से डिनर कर लिया हमारी एनिवर्सरी। कभी कभी मुझको लगता है कि मैं क्या बड़ा करूं ताकि हमको लगे कि नहीं एनिवर्सरी इस बार अच्छा किया। तो ये शॉपिंग की साइड वो मेरी साइड ज्यादा होती है, उसकी साइड कम होती है। तो ये छोटी सी बैलेंसिंग इफेक्ट मैं कहना चाहता हूँ फिर से, हवा मत रखिए बीच में रिलेशनशिप में, ट्रांसपेरेंसी कहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग बहुत डिस्कशंस भी करते साथ में, काफ़ी सारी रेजोल्यूशन कर देते बाय द एंड ऑफ द इवनिंग, हम लोग काफ़ी सॉर्टेड कर देते, कोई भी चीज़ का अनबनाव बन भी जाता है तो हम लोग शाम तक उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते, सॉर्ट आउट होनी ही चाहिए ऐसा हमने नियम रखा है। कैरी फोर्ड नहीं करना है, अच्छी चीज़ों का कैरी फोर्ड करना है, बुरी चीज़ों का और बैड एयर को हवा को निकाल देना है बेसिकली सिस्टम से, वो हमारा प्रयास रहता है। शालिनी तुमको कुछ ऐड करना है? एक तो एज यूजुअल है ना, जनक से आप खुद भी पूछिए तो जनक उसको इतना टेक्निकली समझाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ ही परसीव्स है ना, वो दीदी किसी नियम मैं से जोड़ दीदी देते हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं यही कहने वाला था कि ये आंसर प्रमाणित करता है कि ही इज टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने पति पत्नी के किसी भी रिश्ते को, संबंध को क्या टेक्निकल फॉर्म में समझाया है, गजब है गजब। और तो जैसे कि बर्तन पड़े सिंक में, तो मैं बर्तन जो होते हैं वो मेरे लिए इजी होते हैं वॉशिंग करने में, कुछ भी छीलना है मटर छीलनी है तो मैं 5 किलो एक साथ बैठ करके छील दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये एक से एक ऑन सेट है ये गोल कि शालिनी कुछ कर रही तो उसके इम्पोर्टेंट ही करेगी, तो मैं जो है वो इसका जो है काम जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है उसको मैं कर लूँ। और क्योंकि मेरा माइंड इसी चीज में चलता रहता है तो कभी कभी मैं दोनों हाथ से ऐसे चलता रहता है, इस हाथ में 5-10 मटर होती रहती है और इसके साथ में छिलता जाता है और यहाँ पर नई मटर आती रहती है, तो मैं उस चीज को प्रोसेस को कैसे फास्ट कर दूँ, तो एनालिसिस और डिजाइन मेथड्स में मेरा बहुत चलता रहता है। और ये मैं कहता हूँ कि अपने आप को सिस्टम एनालिसिस और डिजाइनर कह करके एक बड़ी पोस्ट में मत रखिए, घर के छोटे छोटे काम में भी आप एक एनालिस्ट हो सकते हो, उसमें से आप एक डिजाइन बना सकते हो जिसमें फास्ट प्रोसेसेस के द्वारा आप टाइम बचा सकते हो, है ना। तो वो सब चीजें मेरे माइंड में चलती रहती है और उसकी वजह से मैं काफी सारा हार्मोनियसली हम लोग जी पाते हैं। धनिया को चूटना है, मेथी को चूटना है, वो सब चीजें मैं हाथ में ले लेता हूँ और सब करने में रुचि रखता हूँ। तो छोटी छोटी बातें जो दूसरे को प्रॉब्लम करती है, आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपका एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल, ऑलरेडी आपने ऑलरेडी प्रेशर हटा दिया तो वो भी सामने से आपके नजीक आएगा। सिरिंज की बात मैं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप की बात में हाँ, तो वो आपकी क्लैरिटी के बारे में ही है, तो इसको ये मैं मेरे। थोड़ा हाँ एक दो बातें ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने अपने उसमें बोला था ना कि मैं नर नारी समान ही है, ये मुझे नर नारी में असमानता है ये हमको छू नहीं गया, तो सेम वे में जनक को भी ये बात नहीं छू गई कि नर नारी किसी जगह पर असमान है। और मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी चीज ऐड कर दूं कि जनक की जो ह्यूमिलिटी है, और सच बताऊं तो जनक का बहुत सारा दबाव रहा मेरे ऊपर, जनक ने मुझे प्रेरित किया कि तुम अपने परिवार की सीमा से बाहर सोचो, और ये बहुत इरिटेटिंग वे में करते रहे, हमेशा कहते रहे शालिनी यू हैव द कैपेसिटी टू रीच टू द वर्ल्ड, व्हाई डोंट यू डू इट। और मैं हमेशा एक व्यक्तिवादी परिवारवादी व्यक्ति ही रही हूँ, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये जनक के इतना ज्यादा पुश करने का कारण है कि ये लगातार मेरे ऊपर टक टक करते रहे कि यू शुड बी कम्युनिकेटिंग विद पीपल, यू शुड बी गोइंग आउट, यू शुड बी डूइंग दिस। और मैं इनको बोलती थी तुमको सुख नहीं होता है क्या कि तुम्हारी बीवी ऐसा नहीं करती है कि जा रही है, आ रही, घूम रही, कह रही है, यू नो। तो ही यूज्ड टू से नो आई डोंट फील हैप्पी अबाउट, आई विल फील हैप्पी व्हेन यू विल एक्चुअली बी बेनिफिटिंग मोर पीपल। और जनक जैसे कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे कि मेरा मन करता है जब हम बातें करते हैं तो वी शुड रिकॉर्ड इट, तो एक प्रोत्साहन जनक हमेशा करते रहे, और वो मेरे एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह एक प्रोत्साहन करना ये जनक ने किया। जैसे अभी जनक ने बताया कि मैं मटर छील देता हूँ, ये करता हूँ, तो एक स्वीकृति है जनक के अंदर कि ठीक है, वॉट एवर शी इज डूइंग इट्स गुड और लेट मी हेल्प हर। दूसरी बात, जो हमारी शादी का दूसरा वचन ये भी था कि हम लोग अपनी जो भी बातें हैं ना उनको पाइल अप करके नहीं रखना है ना, तो ईगो को एक ये सब करने में बहुत दम लगा, कुछ समय लगा, लेकिन जैसे ही हम
हमें लगता है कि नहीं, इस चीज को हम थोड़ा सा अलग करके अपने ईगो को हटा करके, और एंड व्हाई वर वी बिहेविंग द वे वी वर बिहेविंग, जब हम इस जगह पर जाते हैं और एक अंदर से देखते हैं तो कोई ना कोई पाते हैं कि एक पूर्व कोई मान्यता, कोई प्रोग्रामिंग, क्योंकि जहां से मैं आती हूँ, जहां से जनक आते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग एंड्स हैं इसके। तो फिर हम दोनों बैठ करके इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं या बता देते हैं कि भाई देखो, आई वॉज फीलिंग इनसिक्योर, या आई वॉज फीलिंग फियरफुल अबाउट दिस, आई वॉज फीलिंग दिस। तो हम अपने जो फीलिंग वाला पक्ष है ना, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। उससे मुझे लगता है कि काफी राहत तुरंत मिल जाती है, तुरंत राहत हो जाती है। सो आई गेस दैट हेल्प्स। बाकी जनक और देखिए, आप किसी ने हैंड रेस किए। हाँ, प्रदीप जी ने कुछ पूछना है। शालिनी जी नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी अब तक? नमस्ते। यस, आ रही है। मैं द्वारका दिल्ली से बोल रहा हूँ। एक्चुअल मैं एक दिन फेसबुक पे था तो आपकी एक क्लिप आई थी, तो मैंने सुनी, वो अच्छी लगी कि हाँ आप दर्शन से जुड़े हो। हम लोग भी दर्शन से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो थोड़ा आपके बारे में जानना चाह रहे थे कि भाई आप कहाँ से हैं और का कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए। मेरी वाइफ है साथ में। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते भाभी जी। अच्छा मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी। मैंने 2 दिन पहले ही अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया है, तो आज लिमिटेड टाइम है इसलिए पूरी ठीक। बात तो नहीं रख पाऊंगी फिर से। ठीक है जी, नमस्ते। प्रदीप जी, आपके पास कोई क्वेश्चन टेक्निकली रिलेटेड है कि हम लोग, आपने अभी तक जितना सुना उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको करना हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें आंसर करने में। नहीं, आपकी बात अच्छी लगी और आपका जो दर्शन से देखा कि भाई दर्शन के थ्रू आप अपने उसको चाह रहे हो राइट। तो वो अच्छा लगा। हाँ, और बढ़िया। क्या है कि बाबा जी के बारे में सुन के ना कुछ अंदर से गदगद सा हो जाता हूँ मैं राइट तो राइट मेरे में अपने राइट आप में है कि मैं उनकी बात जैसे सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक उल्लास सा हो जाता हाँ, है नहीं, सही बात। मैं ये समझ सकता हूँ, ये फीलिंग जो है वो खास करके क्योंकि अब आपके अंदर पहले से ही वॉइड रहता है, एक तरह का निराशा होती है वर्ल्ड की देख करके। तो जब बाबा जी की बातें आती है, समाधान आते हैं सुनने में, व्यवस्थाएं खड़ी होने के लिए जो उसके पिलर्स दिए गए उसकी बात होती है, तो एक तरह का उत्तेजना भी होती है, इंस्पिरेशन होता है। आप एक तरह के स्फूर्तिला व्यक्ति हो जाते हो। दैट्स व्हाट आई फील। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं समझ सकता हूँ कल डेफिनेटली। संकेत भैया का भी सुना था तो अच्छा लगा, हाँ तो लास्ट में यस, आता हूँ कल। तो खैर, आखिर हाँ, थोड़ा सा मालूम शॉर्ट। मेरे को फेसबुक से मिला है वेरी जी। गुड, अच्छा, बढ़िया। बढ़िया। तो फिर मैंने उसको सेव कर लिया था, मैं कहा चलो सुनेंगे। तो हाँ कल फिर मेरे को ध्यान नहीं था, एक्चुअल मैं वॉक पे जा रहा था तो ध्यान आया, मैं कहा कल यार लिंक आया था, क्या टाइम देखा, तो उस टाइम पे 7:20 हो चुके थे। हाँ आप शालिनी भी, आप अपना लिंक जरूर, वो जरूर भेजना, वो हम सुनेंगे। पक्का। और हम भी इस दर्शन से 2016 से जुड़े हैं। 9 से 10:30 की मैं एक फैमिली वर्कशॉप लेती हूँ, अरे जिसमें वाह, फैमिली रिलेटिव्स हैं, मेरी बेटी, दामाद, और मेरी फ्रेंड्स, कुलीग, और मतलब हम सभी अपने जो हमारे फैमिली के लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। काफी साल हो गए, 2-3 साल हो गए उस क्लास से हम लोग जुड़े हुए हैं। जी रेखा दीदी की, रेखा दीदी के से मैं परिचित हूँ और 2017 में मेरा इनसे मिलना भी हुआ है। और अच्छा उसके बाद दिन में हम एक सेशन में भी मैं जुड़ता था, इन दिनों नहीं जुड़ना हो पा रहा। रेखा जी, दीदी का अध्ययन बहुत ही डेप्थ में है और अच्छा बाबा जी का जो भी जो वांग्मय है उनके रिलेटेड इतनी क्लियरिटी है रेखा दीदी को। तो हम उस मीटिंग में जब जुड़ते थे तो कोई भी क्वेश्चन होता हम रेखा दीदी से पूछते हैं और बड़ी सहजता और सरलता से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं। तो वांग्मय की जो अध्ययन की बात करें तो रेखा दीदी की स्पष्टता बहुत ही अच्छी है। अरे वाह, सहमत क्या हूँ बात भैया। है नमस्ते नमस्ते दीदी, नमस्ते जानकी रेखा दीदी दीदी मैं भी जुड़ती हूँ इनके सेशन में। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो अच्छा से एक्सप्लेन आप करते हमारे हैं। जीवन विद्या जन संवाद ग्रुप में है ना, हम आपका नंबर कैसे पाएंगे? मैं जुड़ाती हूँ उनको, भेजती हूँ। ठीक ठीक है, डन, थैंक यू सो मच। जनक, किसी और ने देख लीजिए हाँ, हैंड गणेश रेज किया हो गणेश तो जी ने आई थिंक यूज उसको रेज किया हैंड। ओके। गणेश जी नमस्ते बोलो। भैया, नमस्ते शालिनी नमस्ते, दीदी, नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है, मैंने देखा कि
जनक जी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और इन्होंने ऑर्गेनिक खेती पे भी काम किया है। तो अभी मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरा परिवार छोटा सा, हम लोग दिल्ली से देहरादून के पास एक गांव में शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि कूड़े का निष्पादन प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो मैंने और वाइफ ने एक सोचा कि हम लोग जो घर में फ्रूट के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके, इससे हम खाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने थोड़ा सा किया है लेकिन हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो आप इसमें कुछ हेल्प कर पाए, आप टेक्निकली बता पाए तो संक्षेप में बहुत अच्छा हो। ठीक है, मैं इसको एक छोटा सा ऐप को एक माइंड में एक विजुअल बना के आपको बता सकता हूँ। बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है ये। इसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस भी जो है वो उसको समझना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन समझ लीजिए, एक गाय जो होती है वो आज चारा खाती है और वो दूसरे दिन पे वो उसका वो जो है वो वेस्ट बना देती है। मतलब 24 आवर साइकिल में कोई भी चीज़ ग्रीन होती है और उस चीज़ को वो घास खा करके उसको तुरंत वेस्ट प्रोडक्ट में बना करके उसको खाद बना देती है। तो ये चीज़ कैसे हुई, कहाँ हुई, वो गाय के पेट में हुई। अच्छा, गाय के पेट कितने होते, तो 5 पेट होते हैं उसके, 5 स्टमक्स होते हैं गाय के। उसमें पहले जो पेट होता है उसमें कलेक्शन होता है, फिर उसमें से फिर से मल्चिंग रिगर्गिटेट करके उसको फिर से चू करता है, चूइंग द कड जिसको कहते हैं। तो फिर से चू करती है कड को और फिर से वापस दूसरे पेट में जाता है, वहाँ पर बैक्टीरिया प्रोसेस से इन्वॉल्व होकर के डाइजेस्टिव जूसेस को साथ मिक्स करके दूसरे पेट में जाता है, तीसरे पेट में जाता है, चौथे पेट में, फिर बाद में इंटेस्टाइन में प्रोसेस होने के लिए जाता है। तो हमको ये समझना है कि जो खाना होता है वो माइक्रोब्स के लिए बनाता है। ये जो प्रकृति है वो माइक्रोब्स जो होते हैं उसको प्रोसेस करके उसको न्यूट्रिएंट फॉर्म में लेकर के आते हैं और फिर वो न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमारे अंदर जो है वो ज़्यादातर 80% डीएनए जो होता है वो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर में। फिर 20% डीएनए जो है वो ह्यूमन डीएनए है, बाकी 80% डीएनए जो है वो वायरसेस और बैक्टीरिया है और वो ज़्यादातर आपके गट सिस्टम में, आपके इंटेस्टाइन में बैठे हैं। और वही चीज उसको खिलाओगे तब वो प्रोसेस करके उसको वो खाना बनाएंगे आपके लिए, है ना। तो वो चीज हमको समझना है कि हम लोग खिला किसको रहे हैं, हम लोग माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को खिला रहे ताकि वो उसको प्रोसेस करके न्यूट्रिशन फॉर्म में लेके आते हैं खाने को और न्यूट्रिएंट्स को, और फिर वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। तो ये चीज बहुत जरूरी है जाननी। हेल्दी बैक्टीरिया होता है, वायरसेस और बैक्टीरिया का बैलेंस फैक्टर होता है, तब हम लोग अच्छे से खाना को पचा सकते हैं। जब बैक्टीरिया मर जाते हैं गट सिस्टम में और हम लोग एंटीबैक्टीरियल गोलियां खाते हैं तो हम लोगों के अंदर सिस्टम में काफ़ी सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और वो एक्चुअली एक तरह का धक्का भी मिलता है सिस्टम को डाइजेस्ट करने में। तो हेल्दी बैक्टीरियल सिस्टम होती है, वही चीज़ को हमको बाहर समझना है। खाद को डिजॉल्व करना है, कंपोस्ट करना है, उसको कार्बन फॉर्म में लेकर आने के लिए बैक्टीरिया एंड वायरसेस ही काम करते हैं। और वो कहाँ से मिलते, तो गाय के गोबर से, और वो गोबर की स्लरी बना के आप उसको ग्रीन वेस्ट के ऊपर छिड़कते हो तो वो तुरंत उसको डिकम्पोजिंग फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। उसका जो वेस्ट होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में करोगे तो फास्ट हो जाता है ना। और जो गाय के पेट में 24 घंटे में होता है, आपके जो प्रोसेस है क्योंकि वो एनवायरमेंट के साथ जुड़ा है तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। अभी वेस्ट डिकम्पोजर करके भी एक इंडियन कोई इंस्टीट्यूट में, आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम, बट उन लोगों ने बनाया है, तो वो भी एक बहुत अच्छा फास्ट डिकम्पोज कर देता है वेस्ट को, ग्रीन वेस्ट को। तो वो भी एक छोटी सी एक बैक्टीरियल डब्बी में आता है फॉर्म में, आप उसके अंदर पानी और गुड़ डालकर मिक्स करके उसको बढ़ा सकते हो और वो बैक्टीरिया जो है लिक्विड फॉर्म में आप उसके ऊपर छिटकते हो ग्रीन वेस्ट के ऊपर, तो वो भी सड़ जाता है तुरंत। तो ये सब आइडियाज है, ये मैं आपको डायरेक्टली भी फोन पे, आप मेरे साथ रह सकते हैं और बात हो सकती है। हाँ, शालिनी वांट्स टू से समथिंग। यस, सो जनक हैज डिजाइंड अ कोर्स, इट्स कॉल्ड 8R, है ना। सो R फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीपर्पस, इस तरीके से 8R के ऊपर जनक ने कोर्स डिजाइन किया हुआ है। एंड आई थिंक जनक, इफ यू आर रेडी एंड विलिंग, तो एक किसी और टाइम पे, क्योंकि मैंने कोशिश तब जब शुरू किया था ये सेशंस तब तो सोचा था कि इसको हम सबके सामने रखें, लेकिन अब उस चीज़ का बहुत मन नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये दर्शन से एकदम कोर दर्शन को सुनने के लिए तैयार एक ग्रुप लग रहा है। तो किसी और टाइम पे, है ना, व्हेनेवर यू आर रेडी एंड विलिंग एंड अवेलेबल,
तो उस टाइम पर हम प्रपोज कर सकते हैं एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन लाइक वर्किंग ऑन दिस पार्ट ऑफ लाइक एस्पेक्ट ऑफ देयर लिविंग. तो हम उस चीज को जरूर मुझे लगता है कि रखना चाहिए एंड यू आर रेडी विद इट ऑल्सो. राइट राइट डेफिनेटली ये थैंक यू वेरी मच. यस वंडरफुल. इट इज वंडरफुल आइडियाज यू हैव गिवन एंड वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस. यस डेफिनेटली मेरे को आज थोड़ा सा जुकाम चल रहा है तो हाँ ठीक है बढ़िया. तो हम लोग करेंगे ये और हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें जी. और कैसे हम लोगों को उसको हाँ इसमें ऑनलाइन मैं लेकर. थोड़ा सा हम लोग अभी एक भारत भूषण त्यागी जी हैं और संकेत भैया हैं, इनसे जो प्राकृतिक नियम है ना, ऋतु संतुलन, ताप संतुलन, खनिज संतुलन, एक तो ये है कि इंटरनेट पे काफी सारी जानकारी उपलब्ध है. जनक इज वेरी वेल ट्रेन्ड एंड जनक वॉज अ टीचर एक्चुअली. ही यूज टू टीच ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जनक यूज टू टेक अ कोर्स कॉल्ड सोल्यूशन फ्रॉम ऐसे सोल्यूशन फ्रॉम पोल्यूशन है ना. From pollution तो to solution. हाँ फ्रॉम पोल्यूशन टू सोल्यूशन ऐसा करके कोर्स हमने स्कूल्स के लिए डिजाइन किया था. तो एवरी वीक में 5 दिन हम लोग स्कूल्स के साथ काम करते थे बिफोर कोविड. फिर कोविड के बाद हमने इस चीज को बंद कर दिया, बहुत जा नहीं पाए. फिर ऑनलाइन तरीके से 2022-23 में किया भी, कई सारे लोगों ने इस कोर्स को भी ज्वाइन किया है. दैट्स वाई दिस कोर्स इज ऑल्सो रेडी. तो इसको हम कर सकते हैं और जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको समझना, और उस समझने में बहुत सारा पाएंगे जो मैंने पाया है कि अनावश्यक है. बहुत सारी चीजें अनावश्यक हैं. तो इसमें मैं अब मेरी स्थिति ऐसी है, मैं समझती हूँ कि जब तक आपको 10 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती है, तब तक बहुत सारा अनावश्यक भी होता रहता है. जैसे कि कल संकेत भैया ने याद दिलाया उसमें कि नाडेब खातर की जगह एक सामान्य जो खाद बनाने की विधि है, जमीन के अंदर ही जो विधि है उसको उपयोग में लेना ज्यादा, वो प्राकृतिक नियम को फॉलो करना है ना. तो प्राकृतिक, बौद्धिक और सामाजिक तीन नियम ये जो फॉलो करने, अब ये बात ये मेरे फोकस में आ गई ये चीज. और इस ग्रुप में आगे जितने भी सेशंस होंगे इन नियमों को समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इससे क्या होगा हम लोग अलग अलग देख पाएंगे कि भाई ये चीज हमें करनी है और ये चीज नहीं करनी है. तो बहुत सारी अच्छाई की तरह ऑर्गेनिक खेती या और तरीकों में भी चीजें आती हैं, ये लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज है, लेकिन क्या वो सचमुच अच्छी चीज है ना. तो भले वो ऑर्गेनिक है लेकिन फिर भी वो कोएग्जिस्टेंशियल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. तो अब उस जगह पर मेरी एक सतर्कता और बन रही है, तो हम उसके साथ इस कंटेंट को जरूर रखेंगे आपके साथ. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. बढ़िया. मैं जर्नी को कंटिन्यू करूं. कोई प्रश्न है अगर पहले तो मैं पहले ले लेता हूं प्रश्न. शॉर्ट में जनक 8:36 हो गए, हाँ हाँ तो मैं जो वही भी देख आप रहा था. स्पेशल ऐड करना चाहते हैं कर दीजिए, और मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हाँ भी ले सकते हैं जी. मैं रेज हैंड नहीं कर रहा तो मैं बढ़ाता हूँ आगे. मेरा जो थोड़ा सा हम लोग रह गया था वहां पर वो स्कूलिंग के टाइम के ही बाद बात आई थी कि मेरा इंस्पिरेशन है ना बहुत सारा विजुअल था और उसमें ज्यादातर मैं जस्ट जो है वो एक डिस्कशन ग्रुप था जिसमें ओपरा विनफ्री का एक शो आता था उसके साथ था और उसमें वो अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला करके अच्छे से इसके साथ डिस्कशन करती थी, क्वेश्चंस पूछती थी और काफी मशहूर भी हुई उसकी वजह से. और वो कॉमन क्वेश्चंस जी जो होते थे माइंड में जो लोगों के अंदर चलते रहते थे. हमारे पास पहले एक ही चैनल था, अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, तब ये एक शो आता था ओपरा विनफ्री, तो मैं उसको रेगुलरली देखता था. तो जो मेरे अंदर जो ह्यूमिलिटी है खास करके जो महिला के प्रति जो है, जो शालिन ने कहा जो भेदभाव जो है वो मेरे को स्पर्श नहीं किया और मैंने रियलाइज किया कि हम लोग ह्यूमंस बीइंग है दोनों जो मेल और फीमेल है और उसमें ज्यादातर जो भाव जो है वो वुमन के प्रति जो मेरा था वो पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग का था. मेरी मम्मी जो थी वो भी एक अच्छा इंटेलेक्चुअल की तरह आई थी मेरी लाइफ में क्योंकि शी यूज टू रीड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स. तो जो स्क्रिप्चर बैकग्राउंड था उसका, उसका भी जो साथ जो बातें चीतें होती थी वो काफी सारी स्पिरिचुअल के बारे में बातें चीतें होती थी और वो काफी सारा उसका भी साइड से बोझ को डोज मिलता रहता था. और कभी कभी मैं उसके साथ बैठता था तो मैंने उसने तो मेरे को घोषित कर दिया था कि तुम है ना एक टेररिस्ट हो, तुम्हारी बात मनवा के ही रहते हो, तुम किसी को भी सुनते नहीं हो. तो वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको कैसे कैमोफ्लाज करके आज भी जब आप एक्चुअली मेरे साथ संपर्क में आएंगे तब तो आप देखेंगे कि मेरे अंदर जो है
वो सही एक तरह का अपना बात को रखने का एक तरह का अभ्यास है, लेकिन वो मैं अभी कृष्ण भैया ने क्या स्वीटली बताते हैं, लेकिन मैं ये एक तरह का ये मेरा वेपन है कि मैंने एक वेपन अपनाया कि मैं जो बात है मेरी वो सच को पकड़ता हूँ। देखो जब आप सच पकड़ लेते हो ना तब आप जीत जाते हो कोई भी किसी के साथ। तो मेरी मम्मी की जो ये चोट थी कि आप एक टेररिस्ट हो, तो मैंने कहा टेररिस्ट गलत काम करते हो, नहीं मेरे को सही काम करना है। अच्छा टेररिस्ट दूसरा क्या काम करता है, उसकी बात मनवा के ही रहता है, वो स्टबर्न होता है, तो मैं स्टबर्ननेस को अभी भी पकड़ के रखा है, लेकिन मैं मीठा बोलता हूँ। तो ये दो चीज है अल्टीमेटली जो है, वो मम्मी की बात मैंने पकड़ ली और उसको सुधारने की कोशिश की है, तो ये बात मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहता था। बाकी एक और 2 मिनट में लूंगा। म्यूजिक जो है वो मेरी लाइफ में काफी सारा बेस बना है, जो अलग अलग राग है वो मेरे मायने में बजते रहते, कोई भी आजकल के भी गाने जो होते तो वे मैं तुरंत आइडेंटिफाई कर लूंगा, ये तो राग यमन है, ये तो ये राग गर्बी है, ये तो राग मल्हार है ना। तो ये चीज मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि म्यूजिक क्या है। तो एक स्पेसिफिक वाइब्रेशंस एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, उसको हम म्यूजिक कहते हैं। और हमारे इंडियन कल्चर में इतने सारे अच्छे अच्छे राग्स है, अलग अलग टाइम के हिसाब से राग है, अलग अलग ऋतु के हिसाब से राग है। और आप सोचिए कि मैं ये अफ्रीका में बैठ करके ये सुन रहा हूँ अलग 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 म्यूजिक। मेरे पापा जो थे वो भजन्स अलग अलग टाइप के सुबह सुबह बजा देते थे, तो मेरे अंदर बहुत सारी रॉ फाइल्स, जिसको रॉ फाइल्स मतलब वो पहले से ही बजे हुए रखे हुए। फिर मैंने म्यूजिक के बारे में जानकारी कोशिश की, फिर मेरे राग में कौन से धुन होते, कौन से ट्यून्स होते हैं, उसको पकड़ लिया। फिर मैंने अपने आप के अंदर प्ले करता तो अच्छा ये राग यमन है, ये राग भोपाली है, ये राग दीपक है, यू नो। तो ये सब चीजें आजकल के बच्चे में, मैं थोड़े से जितने भी श्रोता है, अब ये मेरा टेररिस्ट का पार्ट आ रहा है, जितने भी श्रोता है, जितने भी अभी सुनने वाले हैं, आई वुड गाइड यू टू टेक एन इंस्ट्रूमेंट, बाय एन इंस्ट्रूमेंट, प्ले इट योर सेल्फ, हैव योर चिल्ड्रन प्ले इट इन योर हाउस, क्योंकि उसमें बहुत सारी तालमेल हो जाती है, कैलिब्रेशन फैक्टर आ जाते हैं आपके माइंड के बच्चे में अंदर जो है वो एक तरह की धुन बैठ जाती है। तो जो कंपन होती है, जो आ, 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 एजिटेशन जो होता है, वो म्यूजिक से एक तरह का तालमेल में रहता है। और म्यूजिक जैसे मैंने कहा रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर म्यूजिक, रेगुलर बीट्स, रेगुलर साउंड सिस्टम्स, एक रेगुलर इंटरवल्स, तो वो म्यूजिक बन जाता है। तो आपके बच्चे के अंदर भी ये आएगी। मैं थोड़ा सा लास्ट में एक एंड में आपको एक प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। हम लोगों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबको आता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब ये राग कौन सा है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, ये एक राग है लिटरली। और आपको हैरानी होगी जब भी आप इसका आंसर जानोगे, तब भी आपको एक तरह की हैरानी होगी, अच्छा ये राग ही है। कोई आइडिया कर सकता है, किसी को आइडिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी ऋतु गई हमारी, जो वर्षा ऋतु थी है ना, मल्हार राग है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बरखन आयो घन बरखन आयो, बड़ी बड़ी बूंदन दमक जमक बीज, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक डायमंड इन द स्काई, बरखन आयो घन बरखन आयो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। समझ रहे आप? अब वो लोग लेके चले गए धुन हमारी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बना गया, हम लोग स्टार ट्विंकल ट्विंकल ही करके रह गए। हम लोगों ने राग मल्हार है वो भूल गए कि क्या है ये। तो ये मैं थोड़ा सा हमारे, और ये YouTube में सब अवेलेबल है, हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर प्रयास रखें, अलग अलग टाइप के राग है उसको कोशिश करें, ये हमारी पूंजी है। दिस इज व्हाट इज वी हैव इनहेरिटेड एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड आर कमिंग इन। मैं भी आउटसाइडर ही हूँ, मैं यहाँ पर वीजा लेता हूँ इंडिया में रहने के लिए। आप थोड़े इंडियंस है, थोड़ा सा इंडियन का पावर लीजिए, ये टेररिस्ट ही बोल रहा है आपको, देख रहे हैं आप, और थोड़ा सा अपनाइए, अपने रूट्स को जानिए, म्यूजिक के साथ जोड़िए, बच्चों के साथ रहिए, उसके साथ डिस्कशन करिए, जो सिरिंज होता है उसमें समझिए कि आपको हवा नहीं लेके आना है। मैंने मैसेज में देखा हवा होती वही ईगो होता है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। और मैं मेरा बातों को स्टॉप करना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी क्या कॉम्बिनेशन, क्या जना क्या कॉम्बिनेशन है, टेक्निकलिटी के साथ राग और संगीत, क्या गजब की बात है।
और हाँ बस एक क्वेश्चन रहेगा, अगर अलाउ करें सारी निधि और सभा अलाउ करे तो पूछ लेता हूँ पूछ लीजिए सर। जी, आप दोनों की आपस में भागीदारी तो काफी कुछ स्पष्ट हुई है, तो आप दोनों की अपने परिवारों में जो भागीदारी है, थोड़ा उस पर अगर कुछ आप दोनों बोल पाए। हमारा परिवार में तो हम तो पहले तो हम और शालिनी एक परिवार ही हम गिनते हैं। हमारे एक्सटेंडेड परिवार में जो होता है, मेरे फादर जो थे अभी इंडिया में ही है, गांव में रहते हैं, और मेरे सिस्टर्स जो है वो भी अनमेरिड है, वो गांव में रहती है। वो उत्पादन विधि से कुछ जुड़ना चाहती है तो मैं उसको हेल्प करता हूँ। उन लोगों ने एक तरह का एक टी बनाया है, मैं टी तो नहीं कहूँगा बट एक तरह का एक औषधि का मिलन करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, तो मैं उसके बारे में भी बाद में डिटेल्स में डालूंगा उसकी। तो उत्पादन विधि से हम लोग जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, और हम लोग प्रयास करते कि कैसे अध्ययन के साथ भी जुड़े और कैसे हम लोगों को अपने आप को क्लैरिटी में ही फोकस करें। ये लास्ट में अंत में एक ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी क्लैरिटी होगी ना तो बहुत सारी चीजें आगे क्लियर हो जाती है। फैमिली में भी खटपट होती है तो भी अब हम सॉर्टेड होते हैं, हम अपने आप को जिज्ञासु रखते हैं सही चीज को जानने के लिए, और हम अपने आप को ईगोलेस करने की कोशिश करेंगे। सब गुण पूर्ण हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन हमारे गुण को मान हमारे अंदर ना रहे, वही प्रयास होना चाहिए लाइफ में। और जितना भी सीख सको, देखो लाइफ तो एक ही है, आपको 50 साल के अंदर, हम लोग करते नहीं ये दुआ लेकिन ऐसे करते हैं कि 100 साल के अंदर तो हम लोग नहीं रहने वाले, तो मौत को एक इंटेंसिव रियलिटी समझ के कुछ भी चीजें करना है तो आज अभी करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो वो तो खड़ी है एक दिन पे वहां पर, है ना। तो मेरा यही एक लास्ट में एक मैसेज है, डेथ डज नॉट अवेट एनीवन, इट इज देयर एंड इट इज योर टास्क नाउ टू टेक अप ऑन टू डू द राइट थिंग्स, यू नो, बिकॉज इफ वो लोग, हम लोग सोचते कि कल करेंगे तो कल करेंगे तो आपने अपने आप को मार दिया आज के लिए, ये मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं बहुत कोई भी काम करता हूँ तो इंटेंसली करता हूँ, प्रोएक्टिवली कर लेता हूँ और उसका आउटकम समझ के करता हूँ कि नहीं ये आउटकम है तो फिर मैं करना ही करना है। 3-3, 4-4 बजे तक, कभी कभी ऐसे रिकॉर्डिंग में एक बार फॉल्ट आया था तो 4-4, 5-5 बजे तक पूरा फिर सोना भी नहीं, दूसरे दिन भी काम करना स्टार्ट कर देना है। तो इंटेंसिवली करना है, कुछ भी काम करना है, एंड हाँ दैट्स या अबाउट इट, है ना। मैं इसमें थोड़ा ऐड करूं, जैसे क्योंकि जनक का ब्रिंगिंग दूसरे जगह का है, तो डैडी भी जो हमारे हैं, डैडी मतलब मेरे ससुर है ना, उनको हम डैडी कहते हैं, तो डैडी जो है वो भी वहीं पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार में जैसे एक वेस्टर्न तरीके से जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो एक अलग रहेंगे, और है ना, तो इस तरीके से इंटरफेरेंस की ऐसे कोई बहुत बड़ी, मतलब उन लोगों को पहले से यही स्वीकृत था। जनक को मुझे लगता है क्वेश्चन उतना उस तरीके से शायद रजिस्टर भी नहीं होता कि जैसे इंडियन फैमिलीज में होता है कि साथ में रहना है और साथ में करना है, ऐसा हमारे परिवार में नहीं हुआ। उनको पहले से ये स्वीकृत था कि हम अलग रहेंगे, और क्या, तो उस विधि से हम लोग शादी के बाद से फिर अपना अलग ही परिवार, वो पहले से ही स्वीकृत था वैसे ही, तो वैसे ही रहते हैं, और बाकी तो मिलना जुलना रहता है। जो गांव में हमारी वाड़ी है उसको हमारे डैडी ही देखते हैं। डैडी बहुत समय तक अफ्रीका में थे, अभी रिसेंटली वो लोग इंडिया शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसा है जी। परेश पत्नी या किसी और ने भी हैंड रेज किया था आई थिंक जी। Somebody, I think she has raised her hand also. हाँ जनक, whosoever has raised the hand first वो जा सकते हैं, आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, I think गणेश जी का तो हो गया। नहीं, Somebody, you want to ask? yes, Anybody can hi, unmute here and ask. हाँ, good morning, good morning, नमस्ते। नमस्ते। मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी आपने बोला कि आप लोग यू बोथ लिव टुगेदर विद नॉट विद योर फैमिली, तो बट व्हाई इज दैट, व्हाई वाज दैट इम्पोर्टेंट टू मी? लाइक सॉरी, नहीं, वाई? इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट संबोधी, हम लोग यहाँ पर 10 साल पहले ही शिफ्ट हो गए, तो हम जिस घर में रहते हैं वो घर ही इतना छोटा है ना, और जो हमारा गांव में घर है वो बड़ा है, तो वाड़ी की अगर टेक केयर डैडी को करनी तो वहीं रहना पड़ेगा, अदरवाइज 40-45 किलोमीटर हर रोज ड्राइव करके आना जाना, तो हमारे पास है घर भी है वाड़ी भी है, तो डैडी वही देखते हैं। बट अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता तो मतलब जिस साथ जन में जन रहते, इन वेरी जनरली, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? साथ में रहना,
डैडी के अदरवाइज टेक केयर कौन करता। और सुविधा हमको ये भी है कि हमारी दो सिस्टर इन लॉज है जिन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको शादी नहीं करनी है ना, तो फिर वो टेक केयर करते हैं डैडी की। एक नहीं दो दो हैं, है ना ओके नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि जी। तो आपके सिस्टर मतलब जनक आपके सिस्टर ने शादी नहीं करने का डिसीजन क्यों लिया? हाँ जनक लेट अच्छा मी आंसर दैट क्वेश्चन। ओके एक्चुअली जनक का भी डिसीजन यही था कि शादी नहीं करना है, फिर जनक ने शादी कर लिया। इनके तीनों भाई बहनों को आई थिंक नाउ जनक यू कैन गो ऑन, है मेरी ना। मेरी जो मदर थी वो थोड़ा सा बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी और उसकी वजह से काफी सारा हमारा अपब्रिंगिंग जो था वो उसी साइड पे था कि हम लोगों को शादी नहीं करें। इनफैक्ट उसने अलग अलग एफडीज भी बनाई थी हमारे नाम की और वो तीनों एफडीज पर यू नो कि आप लोगों को काम आएगी। शी अनफॉर्चुनेटली डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। बट द थिंग इज दैट कि हम तीनों को शादी नहीं करनी थी। फिर मेरे को एक बार एक बहुत बुखार आ गया मलेरिया का और मलेरिया का बुखार इतना खराब भयानक था कि आई कुड नॉट इवन गेट अप। तो मैं जब छोटा था तब इतना मेरे को समझ में आ गया था कि आई विल अडॉप्ट वन और टू चिल्ड्रन एंड आई विल ब्रिंग देम अप अलोन माई सेल्फ। फिर मैंने क्योंकि मैं थोड़ा सा किचन में भी अच्छा हाथ है मेरा, मेरी मम्मी के साथ भी बहुत हेल्प करता था, तो मेरे इतना समझ में आ गया था कि आई विल बी एबल टू गिव एंड प्रोवाइड फूड फॉर देम। बट जब मैं सिकनेस में आया तब मैं छोटा था तब, तो मैंने देखा कि ये तो मैं बच्चों को अडॉप्ट कर लूंगा और मेरी हालत ये है एक दिन दो दिन। मलेरिया बहुत भयानक चीज़ होती है जब वो पकड़ती है आपको। तो मैंने डिसाइडेड कि ये जो मलेरिया है वो उसको बाहर निकलना है, तो उसके लिए तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन फॉर द टुवर्ड्स द किड्स। तो तब मैंने डिसाइड किया कि देखो मेरे को अडॉप्ट तो करने हैं बच्चे, तो अब मैं एक पार्टनर ऐसे चूज करूंगा कि जिसमें वो हेल्प करेगी मेरी एट अ स्पिरिचुअल लेवल। सो दिस बेस वाज देयर इन द माइंड। देखो आपका माइंड में जो है वो एक तरह का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से बना है, ज्यादा तो ये साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट एक फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली प्रोजेक्शन हो रही थी। लगभग मैं कितना साल का हूँगा, आई थिंक 12-13 साल का हूँगा, तब से मेरे माइंड में एक प्रोजेक्शन होती है फ्रीक्वेंसी की। और ये फ्रीक्वेंसी मैंने स्टार्टिंग से भी कहा यू हैव टू बी इंटेंस एंड वी यू हैव टू बी कोहेसिवली इंटेंस इन टू एनीथिंग दैट यू आर डूइंग। अदरवाइज तो देखो पत्थर कंकड़ तो बहुत होते हैं ना। आपको डायमंड रहना है तो आपको डायमंड की तरह ही वर्ताव करना है, इतना परसिस्टेंस रखना है, लर्निंग भी इतना करना है, इंटेंसिवली जीना है। आपने अभी जैसे कि मैंने अभी राग मल्हार गाया तो मैंने कहीं सुना होगा उसको, उसको पकड़ लिया मैंने। कोई भी चीज को पकड़ना है, अच्छी चीज को तुरंत पकड़ना है ना, और बुरी की चीज को तुरंत उतनी ही तेजी से फेंक देना है। बुरी चीज कल फेंकेंगे परसों फेंकेंगे, यही प्रॉब्लम है सिस्टम का, हम लोगों के सिस्टम का, दूसरे के सिस्टम का नहीं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आई नीड अ पार्टनर हु स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, हु विल बी एबल टू सफाइस इन टू मी विथ माई वैल्यूज एंड माई सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड मेरे साथ घुल मिल जाए और हम साथ में दोनों या बच्चों को। तब तो मेरा माइंड में पांच बच्चे थे, पांच कॉन्टिनेंट्स में एक 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 बच्चा लेना था। मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खिसका हुआ है, आज भी थोड़ा सा ऐसा चलता रहता है माइंड में। ये बहुत ऑर्फन्स देखता हूँ मैं अफ्रीका में रहा, तो थोड़ा सा माइंड में था कि मैं एक अफ्रीका से लूंगा, एक अमेरिका कैसे लूंगा, एक यूरोप से एक बच्चा गोद लूंगा, तो ऐसे करके पांच बच्चे का आइडिया था। तो उसके साथ पार्टनर भी कैसा होना चाहिए, तो ये एक इंटेंसिटी के साथ मैंने 13th एज में या 12th एज में मैंने कोहेसिव इंटेंस माइंड में था कि ऐसा पार्टनर चाहिए। और बहुत सारी रिलेशनशिप्स भी आई, बहुत सारी रिलेशनशिप भी टूटी, बिकॉज मैं तो यही कहूंगा मुझको अडॉप्ट करना है पांच बच्चे वर्ल्ड से और मेरे ये एक ड्रीम है, तुरंत टूट जाता था। तब पता लगता है कि रिजेक्शन जो होता है उसको भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि रिजेक्शन इज द वे टुवर्ड सिलेक्शन। ये मैंने मैंने शालिनी ने मेरे को बताया, जब आपको कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आप उसको उसका अभाग्य मानिए कि वो आपने आपको छोड़ा, तो आप सही की दिशा में आप आगे बढ़े। ये मेरा एक समझना उसके बाद हुआ। तब तो बहुत रोना आता था जब भी कोई रिलेशनशिप टूटता था तब, और मैं छोटा भी था तो वो होता रहता है, यू नो लाइफ इज लाइक दैट, टीनेज जो होती है वो। तो कोहेसिव एक माइंड रखिए सेट में, थॉट प्रोसेस एक कोहेसिव रखिए, आपको वातावरण से वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी वाले लोग ऐसे ही मिल जाएंगे। यू डोंट नेसेसरली हैव टू लुक फॉर अ चार्मिंग पर्सन, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, चार्मिंग स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, एंड दैट विल मैनिफेस्ट। दैट इज वॉट माई एडवाइस इज फॉर सम मोदी, है ना। बाकी थैंक यू। यस। धन्यवाद।
दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा ने भी ये सुन लिया हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, शालिनी को हंसी आ रही है, बट ये इम्पोर्टेंट है। देखो टीनेजर्स ये ना लैकिंग होता है कि उन लोगों को कैसे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता है, समझने वाला कोई नहीं होता है। बट व्हेन वी आर ओपन ना लाइक दिस माइट बी वन वेरी ऑड एपिसोड एक्चुअली, बट ये जरूरी है। मेरा मेरे ख्याल से जो भी बोलना था वो जरूरी था, इतना इंटेंसिटी से भी बोलना जरूरी था। ज्यादा शायद बोल दिया को तो मैं माफी चाहता हूँ दूसरे मेंबर्स के साथ, बट सी हाउ द लैकिंग इज देयर, द वर्ड इज देयर, सो इट हैज टू बी फिल्ड, यू नो। We have to be, as elders, we have to fill up that void and we have to guide our young generation. So, yes, yes, I think ये बहुत अच्छा actually बात हो गई है ना, this is important. चाहे youth है जनक, चाहे parents हैं, parents के तरीके भी बहुत तकलीफ रहती है। और let me also add कि ये जो 5 बच्चों की कहानी थी, फिर एक समय पे 7 बनी, फिर हम लोगों ने एक समय पे और सोचा, फिर हमारे में जो मेंटर थे JM, उन्होंने हमसे कहा कि why 5, why 7, why not 100 and why not the whole world, है ना? So he shifted our frequency from 5, 7, 10, 22 the whole world. ये एक shift हमारे भीतर आया, तो फिर हमको लगा अगर इतना पूरा world को nurture करना है तो खुद को कैसा होना पड़ेगा। Exactly. That's how the whole focus shifted towards even more deeper spiritual journey. ये एक घटना घटी। दूसरी बात मैं add करना चाहती हूँ, anybody know अभी की जो स्थितियां है ना, एवरीबडी इज लाइक 23 के हो गए, 25 के हो गए, 28 के हो गए, 35 के हो गए, वॉट एवर नंबर योर एज इज, है ना। वो जगह पे बहुत सारे लोगों को हम सुनते रहते हैं कि भाई आप शादी कर लो, हम लड़का ढूंढ रहे हैं, ऐसा वैसा। इन दिस फेज ऑफ ट्रांजिशन, अनटिल अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर, है ना, कि हाँ शादी करनी है या शादी नहीं करनी है ना, जब तक आप श्योर नहीं हो, बिना श्योरिटी के कदम मत आगे बढ़ाओ। जो नंबर गेम या टाइम टेबल में हम सेट होते हैं ना कि ये टाइम हो गया, आप अपना ये काम ये होना चाहिए, रूटीन, इट इज नॉट रूटीन, मैरिज इज नॉट रूटीन। इवन दो है ना, दर्शन में कहा गया ठीक है वो जागृत परंपरा में ऐसा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई हैव सीन जनक एंड आई हैव काउंसल्ड सो मेनी पीपल इन बैड मैरिजेस, है ना। तो बैड मैरिज से अच्छा है कि मैरिज ना हो, पहले अपने आप को भैया पूर्ण कर लो। मैं और जनक हम साथ साथ जो रहते हैं ना, तो एक दूसरे की जर्नी में पूर्णता के रूप में भाई जनक भी अपनी अपना पूरा कर रहे अपने होने को जिस भी विधि से, और मैं भी जिस भी विधि से हाँ कर रही हूँ। तो इसमें हम साथ साथ आ गए, ये एक योग संयोग विधि से आ गए। मैं बहुत छोटी उम्र में, मेरी 24 साल की उम्र में, 23 साल 24 साल की उम्र थी जब मेरी शादी हुई, 86 बॉर्न, मैं 24 साल 2010 में मेरी शादी हुई थी, तो दैट वाज क्वाइट अर्ली। एंड जनक वाज अराउंड 29 थे जब जनक की शादी हुई। और बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे कि कहाँ का लड़का, कैसी लड़की, ये सब कैसे हो गया एंड ऑल दैट, बट इट फेल्ट राइट, दैट्स वाई वी मूव्ड ऑन, है ना। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अब अरे बढ़िया है बढ़िया, तुम लोग तो बहुत स्पिरिचुअल हो, यू शुड हैव किड्स, बट नो, वी नो अगर हमारा अभी जगह, हम कहाँ पर खड़े हैं एंड वॉट डू वी रियली नीड टू डू, वॉट डू वी रियली वॉन्ट टू डू। तो ये है ना, अपने अंदर स्थिरता रखना इस उम्र में स्पेशली, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ जो बहुत सारा दबाव अनावश्यक बनाते हैं। बिकॉज आई नो मेरी सिस्टर हु गॉट मैरिड एट 31, मेरे उसकी शादी मेरी 2010 में हुई, शी गॉट मैरिड इन 2019, नेक्स्ट मैरिज हमारे घर का। और इतना ज्यादा केओटिक एनवायरनमेंट हम, मतलब माता पिता नहीं, अपने अपने ही मेंटल लेवल पे क्रिएट कर, नो बडी फोर्स देम कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, बट वो इतना दबाव और आंतरिक एक क्लेश बना रहता है, इस सब में फंसिए नहीं, है ना। वाइल वी आर इन ट्रांजिशनिंग फेज, कोई मिल जाए राह चलते, कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ लगे कि हाँ इस व्यक्ति के साथ जीवन जीना सहज होगा और हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे, तो जरूर करिए। वरना किसी और कारण से, किसी और उद्देश्य से, तो मुझे नहीं लगता कि खुशी खुश आप, यू विल नेवर हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, है ना। फिर वो वही मतलब एक काम कार्यक्रम बन जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं। सो या दैट्स व्हाट आई, स्थिरता से आपका क्या मतलब था, रिलेशन में स्थिरता हो, मतलब अपने आप में मानसिक स्थिरता, मैं अपनी मानसिक स्थिरता की बात कर रही हूँ, है ना। जैसे मैं स्थिर हूँ, जनक स्थिर है, तो हमारा जो सह अस्तित्व है वो हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता, मतलब टू नो योरसेल्फ फर्स्ट, यस, और टू नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, है ना, या हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी हो जीवन के प्रति। देखो
मध्यस्थ दर्शन तब हमको तो नहीं मिला था, लेकिन हमको ये पता था कि वी वॉन्ट टू हैव दिस जर्नी एज अ स्पिरिचुअल वन, है ना, ये जो हमारी जीवन यात्रा है एक आध्यात्मिक यात्रा होगी। ये क्लैरिटी हम दोनों के मन में थी, हमेशा से थी। दूसरी क्लैरिटी हम दोनों को ये थी कि हम दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सिर्फ कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, इस धरती को भोगना नहीं चाहते हैं। ये जगह पे हम बहुत, हम वी वर ऑन दैट लाइन डे फ्रॉम डे वन। तो हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स किए हैं। जब हम ओशो को सुनते थे तो ओशो के हिसाब से डायनेमिक मेडिटेशन हमने गांव में जा जा के बच्चों को कराया, हम ये सब करते ही रहते थे। तो ये एक क्लैरिटी गिव्स यू स्टेबिलिटी। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं, तो फिर आप रूप पद धन बल के आधार पर लड़का वगैरह भी चूज करने निकल जाते हो, क्योंकि यही सब देखते हैं और क्या देख पाते हैं ना। तो वो जगह पे जैसी आपकी फसावट शुरू होती है, तो फिर नेचुरलनेस आपकी लाइफ से गायब हो जाती है। आप सहज नहीं रह पाते, आपकी यात्रा सहज नहीं रह पाती, बिकॉज नाउ यू वॉन्ट टू चूज। उसकी जगह मुझे लगता है लेट इट इमर्ज, है ना, लाइफ में एक इमर्जन होना चाहिए अपने आप। जैसे जनक का और मेरा मिलना एक सहज हो गया, हो गए। मुझे तो शादी कभी नहीं करनी थी, जनक को उनकी मम्मी ने ट्रेन किया था कि नहीं करनी है, पर शादी के अलावा और कोई तरीका था नहीं साथ में रहने का, तो शादी कर ली, है ना। तो ये शादी से बहुत, जैसे जनक के दोनों सगे सिस्टर्स को शादी नहीं कर रही थी, लेकिन जनक भी अपने घर के बड़े पीछे के सब बैठे हुए थे। तो हमारी शादी होते ही 3-4 महीने बाद दूसरी खटखट खटखट शादियां होने लग गई, क्योंकि जनक ही रोड ब्लॉक थे उनकी शादियों में। सो ये शुभ घट गया, है ना, लेकिन अगर नहीं घटता तो जनक के कजन्स आगे शादी करते ही। तो ये नेचुरली हुआ, है ना, मेरे लिए। तो मैं तो बिल्कुल अपने इसलिए कहूंगी नेचुरली हुआ, जनक मिल गए तो हमने कहा अब साथ में रहना है तो शादी कर लेते हैं। तो ऐसे पर फोर्स आप किया। लोग, जी, सॉरी, पर मतलब मेरा पॉइंट था कि आप लोग जैसे ऑलरेडी एक इतना समझ में थे. ऑफ कोर्स मेरे को बहुत सारी इस तरह की नॉलेज भी मिली है, सब कुछ है, बट स्टिल मेरे अंदर वो चीज अभी तक उतनी बिल्ड नहीं हुई है कि मुझे, ना मुझे इतनी क्लैरिटी है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और ना मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ उतना ज्यादा, मतलब मुझे पता है कि हाँ मुझे चीजें जाननी है, मुझे समझना पसंद है, पर मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ. मतलब ऑफ कोर्स मैं अटेंड कर रही हूँ उसे सेशंस, मुझे समझने में अच्छा लगता है, पर कुछ एक्शन नहीं है मेरा उसके अंदर. तो फिर जैसे अब आपने तो समझ थी, तो आप तो सही रास्ते पे निकल गए, पर अब मेरे में तो उतना नहीं है, तो फिर मैं कहीं गलत रास्ते पे नहीं, मतलब गलत इन द सेंस मैं पॉजिटिव के बदले भटक नहीं जाऊं, तो मुझे वो भी नहीं रहना चाहिए. संबोधी, आई थिंक ये जो डर है या एक ये जो जो स्थिति है, ये बिल्कुल सामान्य स्थिति है। इसमें कोई, जो आपकी एज है उस एज में सब होना बहुत स्वाभाविक है, पर अंदर में ये भी होना चाहिए। एक देखो, एक दिस में भी स्पिरिचुअलिटी वर्ड बड़ा हैवी वर्ड लगता होगा, है ना, लेकिन क्लैरिटी तो सबको चाहिए। तो मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि इस रास्ते पर चलते रहो, बहुत डेस्परेट नहीं हो जाना किसी भी मोमेंट पे। जैसे आप, आपको भूख लगे तो आपको जब तक भोजन ना मिल जाए तब तक वो मत खाइएगा, है ना। भूख, जैसे भूख लगी है, एक तरफ भोजन है एक तरफ जहर है, तो इतना डेस्परेट ना हो जाए भूख में कि भोजन मिलने का इंतजार ही ना करें। भोजन मतलब जहां से पोषण मिलता हो, और जहर ही जो रास्ते में रखा है उसको खा लें, या जो सड़ा हुआ कुछ रखा है उसको खा लें। तो ये डेस्परेशन से इस उम्र में बचना, मैं इस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ जो अभी स्थितियां हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज टू हील, पीपल हैव बीन रेस्ड, दीज जो बच्चे हैं ना, दीज किड्स आर रेस्ड बाई वेरी वेरी हर्ट एंड वेरी इग्नोरेंट पेरेंट्स। तो जब ऐसा होता है ना कि इग्नोरेंट पेरेंटिंग है और समाज में इतना सारा दबाव है चीजों का, तो बहुत आवश्यक है इस जनरेशन को एक जनरेशनल ट्रॉमा से बाहर निकलने का। इट इज अ नीड ऑफ द मोमेंट कि हम लोग अपनी स्थितियों में ब्रेक लगाएं। अगर हमारी जनरेशन संबोधी ब्रेक नहीं लगाती है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी जा रही है आई ना। थिंक वी नीड इसीलिए टू चेंज मेंटल द हेल्थ पे डायरेक्शन। इतना फोकस है इस जनरेशन का, किस चीज पे फोकस है? मेंटल हेल्थ एंड हीलिंग योरसेल्फ.
यस, इमोशनल हीलिंग इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड एंड दैट डज नॉट हैपन विदाउट डीप अंडरस्टैंडिंग, कोर अंडरस्टैंडिंग. आप जब हीलिंग जर्नी को भी आप शुरू करोगे ना संबोधि, यू विल रियलाइज यू नीड कोर आंसर्स, है ना. तो कोर आंसर्स के लिए यू हैव टू हैव क्वेस्ट, यू हैव टू हैव क्वेश्चंस, एंड बिल्डिंग दोज क्वेश्चंस इज ऑल्सो अ प्रोसेस. ऐसा नहीं होता रैंडमली आपको एक दिमाग में एक दिन एक प्रश्न आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वेन यू कीप लर्निंग समथिंग्स, कीप एक्सप्लोरिंग, समटाइम्स इवन दोज क्वेश्चंस आर नॉट क्लियर बट यू स्टार्ट फीलिंग द क्वेस्ट, द थर्स्ट यू नो विद इन यू, तो True. Yes. ये होने लग जाता है. सो अच्छी बात इसमें मुझे लगता है, करने लायक काम के रूप में मैं यही कहूंगी, अपने आप को एक अच्छा वातावरण दो, मानसिक वातावरण वेर यू कैन ग्रो. जैसे हम आईसीयू में नहीं जाते हैं वेन वी आर वेरी वेरी सिक, वी हैव टू बी इन इंटेंस केयर यूनिट, है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट में अपने आप को रखना. वाई वेन यू कैन एक्चुअली नर्चर योर सेल्फ, तो गिविंग योर सेल्फ द काइंड ऑफ लाइक राइट काइंड ऑफ कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप अपने आप को राइट काइंड ऑफ कंटेंट नहीं दे रहे हो, ये निष्ठा नहीं बनी है कि हाँ आई नीड टू हील क्योर एंड यू नो मेंटर माई ओन सेल्फ, तब तक क्या होता है कि हम फिर फंसने वाली जगह पर बन ही जाते हैं. और संबोधि विश्वास मानो, मुझे लगता है कि द मोमेंट यू आर रेडी ना द राइट पर्सन ऑल्सो अराइव, है ना. सो फिर आप, और एक स्थिति में सच कहूं तो ऐसी बनती है कि आप हू एवर अराइव्स, है ना, यू आर रेडी टू गो विद दैट पर्सन, है ना. तो अपनी इतनी ताकत हो कि कोई भी आ जाए हम उसके साथ निर्वाह कर लेंगे. सो ये एक शिफ्ट मुझे लगता है कि चाहिए. अगेन योग्यता, योग्यता है ना निशा जी, बिल्कुल, है ना, अपनी योग्यता बन जाए निर्वाह के लिए. इसके लिए सही जो समझ है उससे अपने अपने आप को रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता है. बट फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ का क्या होगा? स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टेजेस ऑफ बॉडी होता है ना, मतलब एक राइट टाइम पे आपकी बॉडी रेडी है ना, तब आप बच्चा कर सकते हैं. एक राइट, एक मोमेंट, एक टाइम होता है व्हेन योर अदर डिजायर्स आर वेरी यू नो हाई, यही सब होता है. और क्या होता है, इनको ठीक से समझ ले और दूसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाए जहां पे हम दोनों की समझ मैच करती हो, तो ये सब चीजें भी हम एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे. कोई इसमें तकलीफ थोड़ी आती है. जैसे मैं और जनक, अच्छा मैं बढ़िया कुकिंग करती हूँ, जनक मेरा सहयोग कर देते हैं, हम लोग बढ़िया बढ़िया खाना बना के खाते हैं, एंजॉय करते ही हैं. लेकिन अगर हमारे बीच में कलेश हो तो हम कितना भी अच्छा खाना बना के खा लें, ठीक है, हम उसमें भी हमको, है ना, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, खाना वाना क्लेश हो ही जाता है. सो आई थिंक दैट इज प्रायोरिटी, है ना. आहार निद्रा भय मैथुन तो रखा ही हुआ है, तो उसमें क्षणिक संवेदनाएं भी मजेदार हो जाती हैं जब आपके साथ एक बढ़िया आपका पार्टनर है. तो फिर हम स्कूटर में 40 40 किलोमीटर दूर जाते थे, मैंने अपनी जर्नी में बताया था, तो मैं और जनक अंताक्षरी खेलते हुए चले जाते थे, है ना, गाना हम गाते जाते थे, गाना ये गाते जाते थे, रास्ते सुनसान होते थे, चले जा रहे हैं आराम से, फिर दुख नहीं होता था, है ना. स्टव में मैं खाना पकाती थी वहां पर, मैंने जिंदगी में कभी स्टव नहीं जलाया था. तो हम लोग ये सब करते ही रहे ना. इट वॉज फन, इट वॉज लाइक प्लेइंग, जैसे छोटे बच्चे कोई गेम्स और ये खेलते रहते हैं, जिंदगी वैसे ही हो जाती है ना, कि हम कुछ भी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए. ओपननेस इज इम्पॉर्टेंट, है ना. देर शुड बी नॉट दिस थिंग कि जैसा मेरे माँ बाप ने किया है वैसा ही मैं भी रिपीट करने के लिए. वी आर नॉट कार्बन कॉपीज, है ना, वी शुड नॉट बी कार्बन कॉपीज ऑफ आर पेरेंट्स. और हमारे माता पिता हमको बहुत सारे मान्यतावश बहुत सारे बड़े बड़े चित्रण भी दे देते हैं कि बेटा हम तो ऐसा जिए, आप इससे अच्छा जियो. क्यों भाई, अच्छा का मतलब क्या है, पहले ये एक्सप्लोर कर लिया जाए, है ना. ये सब जगह पे डीप क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है संबोधि, है ना. हमारे माता पिता हमारा शुभ चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन वास्तव में शुभ क्या है इसको एक्सप्लोर किया जाए. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, यू नो. या ये भी ऐड करा, मुझे लगता है, होप यू नो इट एडेड टू एवरीवन्स लाइफ. और नहीं, दैट दिस दिस वाज आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेरे लिए टू जी, नो दीज थिंग्स एट राइट टाइम. यप, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बिकॉज जनक. ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी तो बहुत सारी हो जाती है, और फिर जो भी अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को सेटिस्फाई करती हूँ. बट व्हेन आई हैव द राइट प्लेटफॉर्म आई थॉट आई शुड आस्क. यस यस, तो संबोधि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ा डीप जाओ, है ना कोई जैसे जनक ने कहा फ्रीक्वेंसी मैच करने वाला कोई व्यक्ति रास्ते में मिल जाए, रास्ता मतलब हाँ, आई जीवन भी थिंक हो अब तो मुझे जाता है उतना व्हेनेवर. स्ट्रेस नहीं रहा उस चीज का कि मुझे पार्टनर वाला क्रेजीपन नहीं रहा. मतलब ऑफ कोर्स आई हैव एक्सप्लोर्ड, और मेरे यस पे जब आना होगा तो मिल जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा. इतना दिमाग नहीं बिल्कुल लगाना उस चीज के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना. तो रिलेशनशिप शुड बी नर्चरिंग,
इफ इट इज नॉट नर्चरिंग इट इज नॉट रिलेशनशिप, इट इज एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। हाँ दीदी, मैं एक चीज ऐड करूंगा, इवन रिलेशनशिप इज एट द सेकेंडरी प्लेस, फर्स्ट प्लेस इज राइट अंडरस्टैंडिंग। तो पहले एक समझ, अगर हमारे को क्लियरिटी होती है, क्लियरिटी का मतलब जो अगर मध्यस्थ दर्शन के साथ जोड़ दें थोड़ा सा, तो उसको वो नहीं बनाना, मतलब ज्यादा टफ नहीं बनाना, लेकिन हम पहले ह्यूमन बीइंग जो है, मानव है, उसको समझ लें और थोड़ा सा इस प्रकृति की व्यवस्था को समझ लें। अगर इसको समझने के बाद हमारे जो जीवन का थोड़ा सा स्टार्ट होता है ना, तो ऑटोमेटिक बाकी सब चीजें ठीक होती जाती, रिलेशनशिप भी और बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाती। आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको पोषण के अर्थ में खाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आपने थोड़ा उसको एक्सट्रीम जहर तक लिया। बट मैं कहता हूँ कि कई बार लोग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, चाय बिस्किट खा लेते हैं, कि जब तक वो बन रहा था तब तक चाय बिस्किट खा लेते हैं, तो वो भी भूख को मारने के लिए हो जाता है और पोषण नहीं हो पाता है। तो हम जब तक पोषण का खाना नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो उसके लिए प्रयास भी करें, थोड़ा वेट करें, उसके लिए धैर्य के साथ उसका वेट भी करें। तो ये आपने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से कनेक्ट किया, जो मुझे पर्टिकुलरली इस पूरे संवाद में, मतलब विद प्रैक्टिकल उदाहरण आपने इसको रखा है। बाकी तो आपने बहुत ही अच्छी समझ से उसको रखा है। मुझे लगता है संबोधी का भी जो क्वेश्चंस थे वो, क्योंकि मुझे भी करती हैं, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से एड्रेस भी किया है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। जनक को कुछ कहना चाहें इस पे, तो थोड़ा सा लास्ट टाइम तो हो रहा है, जो लोग जल्दी हो रहा है वही पे तो लग रहा है। मैंने माइंड में तो प्रदीप जी को कुछ पूछना है, तो वो सुन लेते, फिर मैं बोलता हूँ लास्ट। ठीक है, प्रदीप जी आप है हमारे साथ? ओके, आई थिंक ही माइट हैव स्टेप्ड आउट। ठीक है, तो बस यही कहना था कि जो हम लोग की फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से ही मैच होता है, और ये थोड़ा बहुत रिपीट ही हो गया एक तरह से, बट मैं ये मानता हूँ कि हम लोग एक कहीं ना कहीं एक तरह का एक बहुत वास्ट कॉस्मिक ब्लैंकेट है, और एक कॉस्मिक ब्लैंकेट के अंदर हम लोग इसमें थ्रेड्स है थोड़े थोड़े, है ना, और उस थ्रेड्स में वन पार्ट हम है, वन पार्ट आप है, वन पार्ट थर्ड पर्सन है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को रेज करोगे वहां पर एट अ फ्रीक्वेंसी लेवल पे, वर्ड फ्रीक्वेंसी यूज करो, बट इसमें एक एक तरह का माइंड में जैसे कि एक तरह का संकल्प की दृढ़ता जो है उसको मैं रखूंगा। तो बाबा जी को भी बात करें, तो बाबा जी की बात क्या थी, उसने किसी ने कहा कि तुम तो कभी भी विद्या को या कोई भी शास्त्र को पढ़ नहीं पाओगे, तो उसने दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, आई विल नाउ टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू रीड द शास्त्रास, एंड ही रेड ऑल ऑफ देम, एंड देन उसको समाधि तक जाना है, वो किसी ने कहा तो उसने समाधि तक भी गए, फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है। सो व्हाट इज द अंडरलाइनिंग थॉट प्रोसेस विच इज गोइंग इन हिज माइंड, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, मतलब मुझको सत्य या सच जो है वो उसको जानना है। तो वो जो उसकी खोज जो है, तो खोज द वॉइड हैज टू बी देयर, कि मेरे डेस्टिनेशन जो आपको है वो तय करना है, डेस्टिनेशन तय करते तो वो अपने आप पीसीज आ जाते, वो मेरा थोड़ा सा गाइडेंस लास्ट में रख सकता हूँ। तो माइंड में आपका जो डेस्टिनेशन, के मेरे को ये जैसे कि ये कप मेरा डेस्टिनेशन है, तो कप माइंड में डेस्टिनेशन, तो आप उसके बारे में ध्यानने की कोशिश करेंगे कहाँ पर बनता है, कहाँ पर से सबसे अच्छा खनिक आवाज वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग कप कहाँ से मिलेगा, क्या है वो, लेकिन आपके माइंड में चित्रण ही नहीं है, आपके माइंड में डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो आपके रास्ते में भी चॉइसिस नहीं आएंगे, आप चूज ही नहीं करोगे रास्ते। जी, तो ये शायद कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो कर लें फिर। मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग जो मेंटर प्लस पहले चला रहे थे, अब हमारे विद्या के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम बना ही दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और जो आपने ब्लैंकेट वाला भी बताया, वो पोषण पूरा हमें सही तरीके से पूरी जाल को उठाना है, तो ये बच्चे आगे की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आपके सेंटेंस को कनेक्ट करती हूँ दर्शन के साथ, तो पूरी चीज ये स्पष्ट होती है कि बहुत बढ़िया काम तो हो ही रहा है, एक और ऐड किया जाए, जिससे अभी काफी यूथ है, पूरी मेरे यहाँ जो गोष्ठी होती है उसमें भी बच्चे आते हैं, इतनी क्लैरिटी से कोई बोल नहीं पाता, इतनी क्लैरिटी से समस्याओं को समझ नहीं पाता। जो अभी संबोधि ने भी बोला कि ऐसी ऐसी मन में प्रश्न होते हैं, कभी कभी मेरे बच्चे के भी होते हैं, कोई बार बच्चा व्यक्त हो पाता है पेरेंट्स के आगे, कभी नहीं व्यक्त हो पाता है,
तो आप लोग इस मुझे आप लोगों की एज का बहुत रहता है कि इस उम्र में आप काफी कनेक्टिविटी डेवलप किए हुए हो एक बड़ी पीढ़ी के साथ, पीछे की पीढ़ी के साथ, तो बहुत बढ़िया काम होगा। सपोज आप लोग, एक सजेशन है मेरा कि एक मेंटर प्लस इसके लिए भी किया जाए और पूरे इंडिया के बच्चों के लिए जितने भी दर्शन से जुड़े हैं, शायद उससे और ज्यादा अच्छा फैलाव होगा दर्शन का भी और सही बातों का भी, ऐसा मेरा सजेशन है। मैं तो इतना अच्छा भविष्य देख रही हूँ, इतनी कल्पना में अच्छा आता है आप लोग जब बोल रहे होते हैं, तो एक सजेशन है मेरा। दीदी, मैं निमिषा दीदी की सजेशन को 1000% सपोर्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि मध्यस्थ दर्शन हर क्षेत्र में, हर एज में पहुंच पाए, उसी की ये तैयारी चल रही है। क्योंकि जो बाकी में ये, इसको आप अदरवाइज नहीं, लेकिन बाकी प्रबोधक की जो लैंग्वेज है वो सब है, वो कहीं कहीं बीच में एक बाधा है यंग जनरेशन तक पहुंचने में। तो मुझे लगता है उसकी भी तैयारी चल रही है, और आप दोनों, मतलब आप दोनों भी और ऐसे आप जैसे लोग और भी जो आ रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि संबोधन जो क्वेश्चन किए हैं इनको एड्रेस जनरली 7 days वर्कशॉप में उस तरह से नहीं किया जाता, वहां पर सीधा सीधा मध्यस्थ दर्शन की बात रखी जाती है और बच्चे कनेक्ट ही नहीं होते। तो अभी मैं भी जो क्लासेस लेता हूँ कॉलेज में, तो मैं भी आपकी तरह ही कोशिश करता हूँ कि बच्चों की जो भाषा है, बच्चों के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसके साथ बात करें। दीदी ने जो बोला है मध्यस्थ दर्शन से बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े, लेकिन ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट से काफी बच्चे जुड़ चुके हैं कॉलेज एजुकेशन में। तो जैसे लास्ट ईयर से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो 48 बच्चों का बैच है लास्ट ईयर भी था, अभी भी है, और बच्चे कनेक्ट भी कर रहे हैं। पर मुझे लगता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पर अगर वो जुड़ जाएं, जहां एक उनकी एज है थोड़े से उनसे बड़े, जिनको आप लोगों को भाई बहन की तरह देखते हैं ना, दीदी और उस तरह देखते हैं, तो उनके लिए आपको आपसे कनेक्ट करना और फिर उनसे कनेक्ट करना, रिलेटेबल है यहां पे। यस यस, हम लोग बोलते हैं आपने सब जी लिया है, आपकी ये चीज थोड़ी वो अलग कॉन्टेक्स्ट भी होता है थोड़ा सा। तो मुझे तो लगता है कि मैं तो निमिषा दीदी के साथ बिल्कुल 1000% हूं। और संबोधि के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो दीदी ने बताया अभी शालिनी दीदी ने कि योग्यता, मैंने काफी टाइम लिखा योग्यता योग्यता, तो जैसे इनकी लाइफ में देख रही हूँ दोनों की, कि योग्यता है तो अवसर उपलब्ध है, वो एक सेंटेंस है दर्शन का, तो वो सेंटेंस को इनकी पूरी लाइफ में एडप्ट हम देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने को रेस किया इस तरह से कि कहीं से एक कानपुर वाला, एक अफ्रीका वाला और कच्छ में आके दोनों ने, मतलब कच्छ वाले हैं लेकिन बैठे थे तो अफ्रीका में, तो उनके लिए अवसर उपलब्ध हो गया, कोई एक लेडी शाहीन आ गई, उसने सजेशन दे दिया, तो संयोग ऐसे ही बनते हैं। तो संबोधि के लिए और जितने भी अभी यूथ है इसमें, चित्रा है ये सब, तो अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ दर्शन की स्टडीज के थ्रू, कि आपके लिए सभी अवसर उपलब्ध हो जाएंगे तो काफी सार्थक काम हो जाएगा। हमने तो हमारा लाइफ ऐसे ही, मतलब हम भी काफी जुड़े हुए रहे स्पिरिचुअलिटी से, वर्ल्ड से, समाज से, लेकिन हमारे लिए जो वातावरण अभी तक नहीं था वो अब उपलब्ध होने जा रहा है, शायद अगले लाइफ में हमें भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत तैयार है और इतने सारे लोग तैयार है, खास करके शालिनी दीदी और जनक जी से तो मैं इतना प्रभावित होती हूँ कि इतना बढ़िया काम हो रहा है इन दोनों के, एक एक लेक्चर्स पहले दिन से मैं जुड़ी हूँ, एक आधा छूट जाता है कभी, बाकी मैं जुड़ी रहती हूँ, मैं तत्पर रहती हूँ कि कब उनका सेशन हो, कब सुनाया जाए, बेटे को भेजती रहती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ दोपहर को आप भी सुनो तो इसलिए बोलती हूँ कि काफी चीजों की क्लैरिटी इनकी स्पष्टताओं से, दर्शन के रेफरेंस से और अभी की समस्याओं के साथ जोड़ के इतनी किस भाषा में उत्तर देना है वो भी इनके पास से मैं तो सीखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संबोधि आप अपनी योग्यता को बढ़ाओगी ना, जैसे जैसे समझ के साथ आपके लिए अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, उसमें कुछ इतना सहज हो जाएगा। मैं आपको जानती नहीं हूँ संबोधि, लेकिन जिस तरह से आपने प्रश्न किए और अभी की समस्या हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको सजेशन दिया है। थैंक यू सो मच निमिषा दीदी, आपका धन्यवाद है ना, इतना प्यार बरसाती हूं। आपका नाम संबोधि है, काफी सार्थक नाम रखा है आपके पेरेंट्स ने, तो कृष्ण भैया इनके पापा हैं निमिषा दीदी। ओहो ऐसा है, ओके ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया नाम रखा है आपने। सुनीता दीदी, हमेशा मुझे, मैंने इस बारे में बहुत सारे प्रश्न किए थे कि नामकरण का ये सब, तो सुनीता दीदी ने हमेशा बोला मुझे कि बाबा हमेशा बोलते थे कि नाम भी सार्थक रखा करो बच्चे का, कि सार्थक नाम के साथ पहले अपने साथ वो तदाकार होता है, तो पहले ही पूछेगा कि मेरे नाम का
मतलब क्या है, तो उसके साथ जुड़ जाता है। तो सार्थक नामकरण कितना महत्वपूर्ण है वो आपको अपने नाम से भी समझना होगा बेटा, और आपके पापा ने तो रखा है। मेरे तो पूरा बर्थ ही नाम के आसपास हुआ है, तो उस आई थिंक स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा भी कनेक्ट है वो, मेरा नाम और मेरा बर्थ प्रोसेस की वजह से ही कनेक्ट है। व्हाटएवर के संयोग कोई भी हुए हैं बेटा, मुझे नहीं पता है, कोई भी संयोग से आपका नाम जो रखा है उसका तात्पर्य क्या है वो पहले समझ लो। दर्शन के रेफरेंस से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको संबोधि नाम का अर्थ। तो उसको सार्थक करो आप। बढ़िया बढ़िया जनक, 9:18 हो गए, आज तक का सबसे लंबा सेशन हो गया। नॉट डिस्टर्ब एनीबॉडी कि आइए नहीं, हाँ। मुझे लगता है अब बंद करते हैं सेशन को आज के लिए। और आप लोगों के जो भी सजेशन है उन पे हम गौर जरूर करेंगे, है ना, हम गौर करना ही चाहते हैं। और मुझे पता है कि आप सारे लोग जो भी सजेशन देते हैं ना वो हमारे सामने आवश्यकता के रूप में, इस असह अस्तित्व विधि से आवश्यकता के रूप में वो सभी प्रकट होते हैं। बिल्कुल स्वागत भाव से हम उनको देखते हैं हम दोनों भी, क्योंकि मुझे पता है नीचे जनक आएंगे फिर हम लोग इस पर विचार करना शुरू करेंगे, जो कार्यक्रम बना सकते हैं डेफिनेटली करेंगे। और दीदी हमारी जो भागीदारी बने आप हमें जरूर बताएं, ऐसा नहीं केवल सजेशन है, वी आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन एवरी वे, तन मन धन जो भी हमारा नियोजित हो इसमें वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है बिल्कुल 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 करेंगे जनक, तो आप क्लोज कर दीजिए है ना सेशन। हाँ, ये हॉट सीट का जो है वो मिला है मेरे को, तो बढ़िया। हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम 7:30 बजे। अरे सॉरी, कल तो संडे है ना। कल संडे है, हम लोग गांधीधाम फैमिली के पास जाएंगे, थोड़ा गरबा वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे, परिवार वालों ने कुछ बुलाया है, तो कल कोई सेशन नहीं है, मंडे को मिलेंगे। आगे जनक आप बोलिए। हाँ बस यही था क्लोज करने के सेशन में, तो अच्छा लगा सबको आई होप। एंड ये सेशन में से सब कोई सजेशन हमने लिए है तो उसको हम जरूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक डिस्कशन ही है और मुझको लगता है इसका सक्सेस जो है वही है कि डिस्कशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो, और उसको ही हम लोग प्रयास करेंगे कि यही इंटैक्ट रहे, क्योंकि यही इसकी ब्यूटी है, तो वो चीज हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और आगे भी प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग इसका इवेंट को आगे बढ़ाते जाए फॉर यंगस्टर्स टीनेजर्स एंड पीपल अप्रोचिंग देयर मिड 20s and 30s, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। चलो धन्यवाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच जनक एंड शालिनी जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद दोनों को आपको, धन्यवाद।